अभी आया वॉइस वॉइस आ गया अभी जल्दी-जल्दी बताएंगे वॉइस आ गया अभी आया वॉइस बढ़िया 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 वॉइस आ गया अभी चलो आओ शुरू करते हैं बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आ जाओ चैप्टर के पहले जो पेज है उसमें दी हुई है कोऑर्डिनेशन की डेफिनेशन कोऑर्डिनेशन क्या है जब बॉडी का एक से अधिक ऑर्गन साथ मिलके किसी चीज़ के लिए काम करते हैं जैसे कि जब मैं दौड़ने लगती हूँ तो ये मेरे बहुत सारे ऑर्गन्स का कोऑर्डिनेशन है जैसे मेरा हार्ट जो है वो फास्ट बीट करने लगता है ताकि ज़्यादा ब्लड मेरी बॉडी के अलग अलग पोर्शंस तक पहुँच जाए मेरे लंग्स ज़्यादा ब्रीथ कर फास्ट फास्टर ब्रीथ करने लगते हैं ताकि ज़्यादा ऑक्सीजन मेरे ब्लड में मिल जाए ठीक है सो ऐसे बहुत सारे ऑर्गन्स के कोऑर्डिनेट होने से मैं दौड़ पाती हूँ कोऑर्डिनेशन दो सिस्टम से आता है नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम से जो नर्वस सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल से आता है जिनको न्यूरो कहते हैं और जो एंडोक्राइन सिस्टम का कोऑर्डिनेशन है वो केमिकल से आता है जिन्हें हार्मोन्स कहते हैं हॉर्मोन्स जो हैं वो ब्लड में, है, है, में रिलीज होते हैं एंड न्यूरो जो हैं वो साइनापसिस में रिलीज होते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन जो है जो हॉर्मोन्स वाली है वो थोड़ा स्लो स्टार्ट होती है और थोड़ी देर लंबी देर तक उसका इफेक्ट नज़र आता है हॉर्मोन्स का जैसे मान लो कोई बच्चा या कोई भी बस के आगे आ गया और एकदम से बस ने ब्रेक मारा और हम डर गए तो इसका जो बॉडी पे इफ़ेक्ट होगा वो हॉर्मोन्स का थोड़ा लेट शुरू होगा और थोड़ा ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा और न्यूरोन्स का बहुत एकदम से शुरू हो जाएगा फ्रैक्शन ऑफ अ सेकेंड में शुरू हो जाएगा और बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा ठीक है ये दो सिस्टम्स आपकी बॉडी में कोऑर्डिनेशन करने में हेल्प करते हैं आज जो हम सिस्टम पढ़ेंगे वो है नर्वस सिस्टम नर्वस सिस्टम क्या देता है बेसिकली आपको प्रोवाइड्स एन ऑर्गेनाइज नेटवर्क ऑफ पॉइंट टू पॉइंट कनेक्टिंग पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है क्विक देता है फास्ट देता है पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देता है विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स कॉल्ड न्यूरो देता है न्यूरो ट्रांसमीटर की हेल्प से कोऑर्डिनेशन देता है ठीक है जी एंडोक्राइन सिस्टम प्रोवाइड्स केमिकल इंटीग्रेशन थ्रू हॉर्मोन्स हॉर्मोन्स कहां पे रिलीज होते हैं ब्लड में रिलीज होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर कहां पर रिलीज होते हैं साइनैप्स में रिलीज होते हैं या फिर न्यूरोमस्कुलर uh, जंक्शन में भी हो सकते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में भी रिलीज हो सकते हैं Synapse है दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन है एक न्यूरॉन और एक मसल सेल के बीच में जो गैप है पहला पेज आपकी एनसीआरटी का यहां से क्लियर हो जाएगा आगे आ जाओ कुछ बेसिक डेफिनेशन है जो अपने को पढ़नी है हां जी इतना क्लियर है आगे बात सुनो ध्यान से बात सुनते जाओ पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा आगे बात बात सुनो, सुनो। ध्यान। ध्यान से इस पे थोड़ी देर में आते हैं, रुको इस पे थोड़ी देर में आते हैं इस पे आ जाओ आपका ह्यूमंस का जो नर्वस सिस्टम है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम सेंट्रल नर्वस सिस्टम में सिर्फ दो पार्ट्स आएंगे बीच का ब्रेन और बीच का स्पाइनल कॉर्ड ये बिल्कुल सेंटर ऑफ द बॉडी में पड़ा होता है ठीक है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में ऑल द नर्व्स आएंगी चाहे वो क्रेनियल हो चाहे वो स्पाइनल नर्व्स हो पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम को शॉर्ट में पी भी कहते हैं यहाँ से ऐसे क्रेनियल नर्व्स निकलती है ठीक है बारह पेयर क्रेनियल नर्व्स हैं हमारे पास और यहाँ से निकलती है हमारी स्पाइनल नर्व ये सारी पेयर्ड होती है बेटा स्पाइनल नर्व्स हैं इकतीस पेयर क्वेश्चन नहीं आता इस इसमें इकतीस पेयर पे बारह पेयर पे क्वेश्चन पे नहीं आता ठीक है ये क्रेनियल नर्व्स है ये जो नर्व है ये बेसिकली पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम है सेंटर में हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये क्या करते हैं इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग एंड कंट्रोल का काम करते हैं ये देन पीएनएस को फर्दर दो पार्ट्स में डेवलप करते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यदि ये इंफॉर्मेशन जो है एक इनवॉलेंट्री पार्ट तक लेके जा रहा है पेरिफ्रल नर्वस सिस्टम जैसे कि कोई इनवॉलेंट्री ऑर्गन तक लेके जा रहा है ठीक है या फिर कोई इनवॉलेंट्री मसल स्मूद मसल तक लेके जा रहा है तो वो बेसिकली इसका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट होगा सी एन एस टू इनवॉलेंट्री ऑर्गन एंड स्मूद मसल्स अगर सिग्नल लेके जा रहा है ये पी एन एस में तो ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है अब ये दो प्रकार का होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ठीक है ये एक बार मैं तुम्हें बाद में बताती हूँ दो प्रकार का क्या होता है पहले ध्यान रखो पीएनएस दो प्रकार का है एक तो फालतू में दिया हुआ है विरियल नर्वस सिस्टम जो मेन दो प्रकार है वो है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यदि ये कमांड कर रहा है इनवॉलेंट्री किसी ऑर्गन को या मसल को अगर किसी वॉलेंट्री मसल पे कमांड दे रहा है तो वो सोमैटिक न्यूरल सिस्टम का पार्ट है एसएनएस ठीक है सीएनएस टू स्केलेटल मसल्स एक और तीसरा इन्होंने फालतू बना दिया है विस्सील नर्वस सिस्टम जो सी एन एस से विसीरा विसीरा मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को दे रहा है मुझे ये समझ में नहीं आता इन्होंने ये अलग से क्यों दिया है क्योंकि विसीरल नर्वस सिस्टम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट सेम काम कर रहा है ये भी तो इंटरनल ऑर्गन्स को दे रहा है सिग्नल बट स्टिल इन्होंने दो चीजें मैंशन करी हुई हैं पीएनएस के अंडर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम दो प्रकार का है सिंपथेटिक एंड पैरासिंपथेटिक जब आपको सिंपथी चाहिए सिंपथी आपको कब चाहिए आप गंदी सिचुएशन में फंस गए हो ठीक है आप भाग रहे हो आपके पीछे कुत्ता भाग रहा है तो आपको सिंपथी चाहिए ऐसे केस में आपका सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है मतलब इंटरनल ऑर्गन्स को सिंपथेटिक कमांड जाता है सिंपथेटिक कमांड में आपके इंटरनल ऑर्गन्स पे या स्मूथ मसल्स पे एड्रीनल नाम का न्यूरो रिलीज होता है एड्रिनलिन न्यूरो भी है और हॉर्मोन भी है ये ब्लड में भी रिलीज होता है और ये एज अ न्यूरो भी रिलीज होता है इसी को एपिनेफ्रीन भी कहते हैं ये रिलीज होता है ठीक है और ये आ, कुछ ऐसी चीजें करता है जैसे कि ये एक अलग से क्वेश्चन है कि एड्रेनालिन आपकी बॉडी में क्या करता है आपका हार्ट रेट बढ़ा देता है मैं लिखवा देती हूं अलग से नोट कर लेना इसको कहीं पे। बहुत इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली आपको फ्लाइट या फाइट करने के लिए हेल्प करता है फाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स देने के लिए हेल्प करता है जो सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम है आपको दोनों ही केसेस में ए चाहिए आपको दोनों ही केसेस में ए बहुत ज्यादा चाहिए अपने में। एक मिनट सेकेंड एक्चुअली अब गर्मी हो गई है हीटिंग होने लगी है ओके okay. तो आपके मसल्स को एटीबी बनाना है ज्यादा एटीबी बनाने के लिए उसको ज्यादा ब्लड चाहिए ज्यादा ब्लड फ्लो चाहिए ठीक है इंक्रीज बीपी ब्लड में ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए इंक्रीज ब्रीदिंग रेट ठीक है और क्या चाहिए इंक्रीज कार्डियक आउटपुट इंक्रीज कार्डियो आउटपुट कैसे होगा इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज हार्ट बीट हार्ट बीट करें क्योंकि स्ट्रोक वॉल्यूम इंटू हार्ट बीट ही तो कार्डिक आउटपुट होता है सब कुछ इंक्रीज हो जाता है इंक्रीज जब आपको डर लगता है तो आपको पसीना आने लग जाता है स्वेटिंग डायलेशन प्यूपिल ऐसे खुल जाता है कि भैया कहां से खतरा आ रहा है ताकि ज्यादा लाइट आंख में इंटर कर सके प्यूपिलरी नोट कर लेंगे कहीं पे या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए एंड पाइलो इरेक्शन पाइलो इरेक्शन का मतलब गूस आना जो पैरासिंपथेटिक रिस्पॉन्स है ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट होता है जो पैरासिम्पथेटिक है इसको बोलते हैं ईट एंड डाइजेस्ट रिस्पॉन्स जब आपकी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है एंड आप मज़े से खाने खा रहे होते हैं और आपको कोई दुख दुविधा नहीं होती है। आपके डाइजेस्टिव इंजाइम बढ़िया तरीके से रिलीज़ हो रहे होते हैं तो वो पैरासिम्पेथेटिक है इसमें आपको कोई सिंपथी नहीं चाहिए इसमें आपके ऑर्गन्स पे एसीटाइल कोलिन नामक न्यूरो रिलीज होता है और इसका बिल्कुल इन सब चीज़ों का बिल्कुल ऑपोजिट होता है यहाँ पर अगर हम बात करें पैरासिंपथेटिक की तो तो ये क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आता है पैरासिंपथेटिक से क्या होता है सिंपथेटिक से क्या होता है सिंपथेटिक भागा दौड़ी वाली चीज़ है सब कुछ ज्यादा 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 हो जाएगा यहाँ तो मजे से डाइजेस्टिव रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेज रिलीज ऑफ सलाइवा बढ़िया सेलिब्रेशन होगी रिलीज ऑफ डाइजेस्टिव जूसेस होगा यहाँ पे बिल्कुल उल्टा है यहाँ पे सलाइवा आपका गला सूख जाता है ठीक सलाई और डाइजेस्टिव जूसेज ये सब कुछ नहीं आएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसपे बहुत सारे पीवाईक्यूज क्यूज आए हुए हैं बेटा बहुत सारे पी वाई क्यूज आए हैं कि ये जो सिंपथेटिक है ये क्या करता है और जो पेरा है ये क्या करता है इनपे पीवाई क्यूज आए हुए हैं स्क्रीन शॉट आप ले लो क्योंकि ये आपके नोट्स में नहीं आएगा जो चीज मैं यहां लिख रही हूं ना एक्स्ट्रा स्लाइड करके वो आपके नोट्स में नहीं आएगा डन अब आ जाओ वापस ये बेसिक डिवीजन पढ़ लिया आप लोगों ने ठीक है ह्यूमन नर्वस सिस्टम का ये डिवीजन आप लोगों ने पढ़ लिया अब देखो जो मैं बातें बोल रही हूं ध्यान से सुनो नर्व क्या होता है इट इज बंडल ऑफ थाउजेंड्स ऑफ एक्सॉन प्लस एसोसिएटेड कनेक्टिव टिश्यू इन पीएनएस जैसे मान लो ये सेल बॉडी है सेल बॉडी मतलब न्यूरॉन के सेल बॉडी और डेंड्राइट ठीक है ये है और ये एग्जॉन है ये फिर से सेल बॉडी है और ये एग्जॉन है तो इस बंडल ऑफ एग्जॉन को अगर ये पीएनएस में है तो इसको नर्व बोलते हैं ठीक है यही बंडल ऑफ एग्जॉन जो है अगर ये सीएनएस में है तो इसको ट्रैक्ट बोलते हैं नर्व्स और जो ट्रैक्ट्स होते हैं वो माइलनेटेड हो सकते हैं क्योंकि इन्हीं के ऊपर एग्जॉन के ऊपर ही ऐसे माइलिन शीट चढ़ी होती है ऐसे तो जनरली व्हाइट कलर के होते हैं अगर नॉन माइलनेटेड भी होते हैं लेकिन बहुत ज्यादा केसेस में ऐसे माइलनेटेड होते हैं तो ये जनरली वाइटिश इन कलर होते हैं ठीक है अगर आप न्यूरोनल सेल बॉडीज की बात करो

जनरल टर्म फॉर एनी न्यूरोनल प्रोसेस दैट इमर्जेस फ्रॉम सेल बॉडी ऑफ द न्यूरोन सो डेंड्राइट इज ऑल्सो नर्व फाइबर एग्जॉन इज ऑल्सो नर्व फाइबर बट डेंड्राइट छोटे होते हैं तो जनरली नर्व फाइबर टर्म एग्जॉन के लिए यूज की जाती है नेक्स्ट ग्रे मैटर क्या होता है व्हाइट मैटर क्या होता है जैसे हमारा जो ब्रेन का ऊपर वाला पार्ट है इसको सेरिब्रम कहते हैं ठीक है सेरिब्रम कहते हैं तो सेरिब्रम है? तो क्या है कुछ ऐसा है देखो सेरिब्रम के दो टुकड़े हैं ऐसे ये मैं एक हाफ दिखा रही हूं सेरिब्रम का मैं आपको एक हाफ दिखा रही हूं ये ऊपर से ग्रेष कलर का है यहां से जैसे मान लो ये लेयर ऐसे कैन यू इमेजिन मैं ये, मतलब मेरे पास येलो कलर है ग्रे नहीं है ये यहां से ऐसे ग्रेइश कलर है यहां पे, एक पतली सी लेयर ये मतलब ये पूरा ऊपर से ग्रे है ऐसे तो ऊपर वाले पार्ट को हम ग्रे मैटर कहते हैं बीच में यहां से व्हाइट व्हाइट मैटर कहते हैं ऐसा क्यों जो न्यूरोनल सेल बॉडीज है वो यहां पे पड़ी हुई हैं ग्रे मैटर में इसे कॉर्टेक्स भी कहते हैं ब्रेन का और जो इनके माइलिनेटेड एग्जॉन्स हैं इनके जो माइलिनेटेड एग्जॉन्स हैं वो नीचे पड़े हुए हैं ऐसे ट्रैक्ट्स बनाए हुए हैं यहाँ पे ट्रैक्ट क्या बंडल ऑफ एग्जॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम तो ये वाइट कलर के होते हैं माइलिन के ये माइलिन के साथ वाइट कलर के होते हैं इसलिए इसको वाइट मैटर बोल देते हैं समझ में आया और जहां पे सेल बॉडीज पड़ी होती है इसलिए इसको ग्रे मैटर बोल देते ग्रे मैटर कंपोज ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज़, डेंड्राइट्स एंड न्यूरोग्लिया व्हाइट मैटर कंपोज ऑफ प्राइमरीली माइलिनेटेड एक्सॉन्स व्हाइटिश कलर ऑफ माइलिन गिव्स वाइट मैटर इट्स नेम यहां तक समझ में आया है यहां तक समझ में आया है जल्दी से मुझे बता देंगे आवाज सही है समझ में आया समझ है में आया है जल्दी से मुझे बता देंगे थैंक यू प्रशस्ति समझ में आ गया है कोऑर्डिनेशन ऑर्डिनेशन पायलो होता है गूज बम्प्स आना खुशी कोऑर्डिनेशन होता है बहुत सारे ऑर्गन्स के बीच में कोऑर्डिनेट कोऑर्डिनेशन होना एक साथ काम करना उनका कोऑर्डिनेशन एंडोक्राइन सिस्टम से आती है और नर्वस सिस्टम से आती है एंडोक्राइन सिस्टम से थोड़ा धीरे आती है और हार्मोन की हेल्प से आती है नर्वस सिस्टम से थोड़ा फास्ट आती है न्यूरो की हेल्प से आती है ह्यूमन नर्वस सिस्टम दो पार्ट्स में डिवाइडेड है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है एंड पेरिफिल नर्वस सिस्टम जिसमें नर्व हैं क्योंकि बंडल ऑफ एक्जोन जो है इन पीएनएस उसको नर्व भी बोलते हैं बारह पेयर क्रेनियल नर्व है इकतीस पेयर हमारी स्पाइनल नर्व है फिर देन पी एन एस के पार्ट है एस एन एस ए एन एस नर्वस सिस्टम अगर आप सिग्नल उसको दे रहे हो वॉलंट्री मसल को दे रहे हो तो एस एन एस में अगर आप सिग्नल इनवॉलेंट्री मसल को दे रहे हो या इनवॉलेंट्री ऑर्गन को दे रहे हो विरल ऑर्गन को दे रहे हो इंटरनल को दे रहे हो विरल ऑर्गन तो नहीं बोलना चाहिए क्योंकि अगर विसीरल वर्ड यूज करो तो विरल नर्वस सिस्टम में डाल दो किसी इंटरनल ऑर्गन को दे रहे हो तो एन एस एन एस के दो पार्ट है सिंपेटिक ग्रे मैटर और व्हाइट मैटर स्पाइनल कॉर्ड में भी मिलता है लेकिन उनका लोकेशन उल्टा हो जाता है जैसे ब्रेन में सेरिब्रम में ग्रे मैटर बाहर मिलता है व्हाइट मैटर अंदर मिलता है आपके स्पाइनल कॉर्ड में ग्रे मैटर अंदर मिलता है तितली के शेप का जैसे मान लो ये स्पाइनल कॉर्ड है उसमें ग्रे मैटर अंदर मिलता है स्पाइनल कॉर्ड का कट सेक्शन दिखा रही हूँ मैं उसमें ऐसे तितली की शेप का ऐसे ये ग्रे मैटर मिलता है अंदर न्यूरोनल सेल बॉडीज यहाँ पे पड़ी होती है और यहाँ पे व्हाइट मैटर पड़ा होता है जो ट्रैक्ट है यहाँ पे व्हाइट मैटर पड़ा होता है उल्टा होता है स्पाइनल कॉर्ड में ये वाली बात समझ में आ गई अब ये वाली बात समझ में आ गई अब आ जाओ न्यूरॉन पे पहले एक चीज सीख लो कि नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स होते हैं आपका नर्वस सिस्टम जो है उसका जो मेन हीरो है वो न्यूरॉन है जो कि एक्साइटेबल सेल है आपके पास दो ही एक्साइटेबल सेल हैं, या तो मसल सेल या न्यूरॉन और इनका एक सपोर्ट स्टाफ है जिसको हम न्यूरोग्लिया कहते हैं ये बिल्कुल भी एक्साइटेबल नहीं है ये बस हेल्प करता है न्यूरॉन्स को हेल्प न्यूरॉन्स प्रोटेक्ट्स न्यूरॉन्स नरिशेज न्यूरॉन्स लेकिन कभी भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करता है कभी भी इंपल्स कंडक्ट नहीं करता है एक बार क्वेश्चन आया था कि न्यूरोग्लिया नर्वस सिस्टम का कितना परसेंट पार्ट है तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये आया है स्ट्रक्चरल बेसिस ऑफ ये क्या बोलते हैं स्ट्रक्चरल कौन सा यार एनिमल टिश्यू वाला जो चैप्टर है उसमें आई थिंक ये लिखा हुआ exactly है मोर देन फिफ्टी परसेंट वॉल्यूम ऑफ नर्वस सिस्टम इज न्यूरोग्लिया एग्जैक्टली सेंटेंस चेक करना आई थिंक यही सेंटेंस है मोर देन 50% परसेंट वॉल्यूम ऑफ नर्वस सिस्टम कोई बच्चा इसको कंफर्म कर देगा ग्रे मैटर में डेंड्राइट्स भी होते हैं क्या मैंने सही लिखा है मोर देन 50% परसेंट एंड ये पीवाई क्यू था दिस वाज आई थिंक पीवाई क्यू क्या मैंने सही लिखा है हाँ वरुण बताया था लेकिन एनसीईआरटी में सेंसरी मोटर करके दो नहीं दिए हुए ना तो अब ये क्योंकि ये लेक्चर ये है तो मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊंगी अब मैं उतना उतना ही जितना आपको पेपर के लिए जरूरी है मोर देन हाफ ऑफ द वॉल्यूम हाँ वही 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 ठीक है नाउ न्यूरॉन्स आर ऑफ मेनी टाइप्स जो सबसे फेमस न्यूरॉन है इसका भी स्क्रीन ले लेंगे जिसकी हमने फोटो बनाई हुई है वो है मल्टीपोलर न्यूरॉन आपके ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में मल्टीपोलर न्यूरॉन होता है इसकी लोकेशन भी आनी चाहिए सबकी लोकेशन पता होनी चाहिए आपको कहाँ है जैसे ये ब्रेन में है स्पाइनल कॉर्ड में है इसमें क्या होता है बहुत सारे डेंड्राइट्स एक एक्सॉन देन सेकेंड कौन सा होता है बायपोलर जिसमें एक डेंड्राइट एक, एक ये कहां पे मिलता है रेटिना में जो रेटिना में आए में रेटिना में जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है क्या बोलते हैं उसको आ, नहीं नहीं, बीच वाली जो लेयर होती है फोटो रिसेप्टर और गैंग्लियोनिक सेल्स के बीच में जो होती है बायपोलर लेयर होती है ये आ जाता है नीट में क्वेश्चन देन थर्ड है यूनिपोलर ये घर का ना घाट का ये बेचारे एक ही प्रोजेक्शन लेके बैठे हैं बताओ तुम्हारा क्या करेंगे हम तो ये जनरली एम्ब्रियोनिक स्टेट में होती है दिमाग में बिठाओ इसको साथ साथ में जब मैं बढ़ा रही हूं दिमाग में बिठाओ इसको फोर्थ होता है सूडो यूनिपोलर फोर्थ होता है सुडो यूनिवोलर जो पहले ऐसे दिखाता है कि एक ही यूं में लेकिन फिर दो पार्ट्स में आके डिवाइड हो जाता है इसका लोकेशन ध्यान रखेंगे डोर्सल रूट गैंगलिया ऑफ स्पाइनल नर्व डोर्सल रूट गैंगलिया ये एनसीआरटी में है ऑफ स्पाइनल नर्व अब मैंने ये डिटेल लेक्चर में बताया ये क्या होता है ये बेसिक से आपके न्यूरॉन्स के वो है टाइप्स है अब आ जाओ न्यूरोग्लिया पे अब न्यूरोग्लिया डिपेंड करता है तुम सी का न्यूरोग्लिया बात कर रहे हो या पीएनएस का न्यूरोग्लिया बात कर रहे हो न्यूरोग्लिया सीएनएस में अलग होएगा और पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में अलग होएगा जैसे कि श्वान सेल एक सपोर्टिंग सेल है पेरीफ्रल नर्वस सिस्टम में वो कभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं आता और वो माइलन शीत बनाता है तो श्वान सेल इज अ न्यूरोग्लिया इन पीएनएस अगर कोई माइलन शीत की नेचर पूछेगा तो फैटी होता है वो लिपिड होता है ठीक है अगर सीएनएस में मैं बोलूंगी फिर माइलिन शीथ कौन बनाता है तो यहाँ पे ओलिगोडेंड्रोसाइट होता है बेटा ओलिगो डेंड्रोसाइट होता है ये सेम काम करता है माइलिन शीथ बनाता है सीएनएस में वो पीएनएस में माइलिन शीथ बनाता है ठीक है और भी बहुत सारे प्रकार के बेटा न्यूरोग्लिया होते हैं बट अबने को जरूरत नहीं पड़ती इतने से हमारा काम हो जाना चाहिए हो गया चलो आगे मल्टीपोलर न्यूरॉन का डायग्राम देख ले उसमें से देख ले क्या क्वेश्चन आ सकते हैं अपने को बहुत बढ़िया प्रशस्ति सब हां बोल दो स्क्रीनशॉट ले लो मैं अपनी शक्ल को साइड में कर लेती हूं ठीक है चलो मैं मान के चल रही हूं आपने स्क्रीन शॉट ले लिया है ठीक है अब एक मल्टीपोलर न्यूरॉन की फोटो देखो ये सेल बॉडी है इसको साइटॉन भी कहते हैं इसको कैरियन भी कहते हैं जिसमें एक न्यू क्या कहते हैं न्यूक्लियस है यहां से इनकमिंग सिग्नल्स को कैच करने के लिए डेंड्राइट्स हैं साइटोप्लाज्म में जो सेल बॉडी का साइटोप्लाज्म है और जो डेंड्राइट्स है इसमें छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स पड़े होते हैं जो कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर है न्यूरॉन का इन ग्रेन्यूल्स को बोलते हैं निसल्स ग्रेन्यूल्स या निसल्स बॉडीज क्वेश्चन नीट में ये आया था कि निसल ग्रेन्यूल का केमिकल नेचर क्या होता है बेटा ये यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर बनाते होते हैं समीटर यहां से बनकर यहां पर स्टोर होता है जो साइनाप्टिकल वेसिकल्स होते हैं ना ऐसे ऐसे यहां पर स्टोर होता है ठीक है ये बेसिकली राइबोसोम्स होते हैं क्योंकि ज्यादातर न्यूरो ट्रांसमीटर प्रोटीन होते हैं प्लस ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के गुच्छे भी होते हैं सो इट इज राइबोसोम प्लस आर ई आर एग्जोन में आपको निस्सल ग्रेन्यूल कभी नहीं मिलेगा देखो इसके अंदर जो फ्लूइड है इसको एक्सोप्लाज्म बोलते हैं इसके अंदर आपको निसल ग्रेन्यूल कभी नहीं मिलेगा मतलब यहाँ पे आपका न्यूरो नहीं बन रहा है न्यूरो जो है वो यहीं पे ही बन रहा है डेंड्राइट के साइटोप्लाज्म है साइटोप्लाज्म में होता है एंड जो सेल बॉडी के साइटोप्लाज्म में होता है एग्जोप्लाज्म में, में कभी नहीं मिलेगा आपको ठीक है ये सिग्नल जो रिसीव करते हैं हम डेंड्राइट से करते हैं लेकिन जो अगले न्यूरोन को पास ऑन करते हैं वो एग्जॉन की हेल्प से करते हैं ये जो चौड़ा सा स्ट्रक्चर है इसको एक्जॉन हिलक बोल देते हैं जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये जो पार्ट है ये वाला इसको एग्जो बोल देते हैं यहाँ पे जो लिक्विड है इसकी जो मेंब्रेन है सेल मेंब्रेन है ये वाली इसको बोल देते हैं एक्सोलेमा तो ये एक्सोलेमा है एक्सोलेमा के ऊपर श्वान सेल चिपका होता है श्वान सेल क्या करता है वो अपनी सेल मेंब्रेन में बहुत सारा माइलिन भर लेता है और श्वान सेल ऐसे लिपट जाता है एक्सॉन के ऊपर तो यहां पे ये जो शीट सी बना देता है इसको माइलिन शीत बोल देते हैं श्वान सेल के सेल मेंब्रेन में माइलिन भरा होता है इसलिए श्वान सेल लिपट के माइलिन शीत बना देता है दो माइलन शीत के बीच में जो स्पेस होता है उसे नोड ऑफ रनवियर कहते हैं कभी कभी ऐसा होता है पीएनएस में मिलता है श्वान सेल सीएनएस में तो मिलता नहीं कभी कभी ऐसा होता है कि श्वान सेल अपनी मेम्ब्रेन में माइलिन नहीं भरता तो श्वान सेल तो लिपट जाता है लेकिन माइलिन नहीं भरता अपनी मेमब्रेन में तो ऐसा हो सकता है कि श्वान सेल लिपटा हुआ हो लेकिन माइलिन शीत ना बने दोनों ही केसेस हो सकते हैं कि श्वान सेल लिपटे और माइलिन बन जाए अगर उसकी मेमब्रेन में माइलिन है तो

मतलब साइनेप्टिक एंड बल्ब के अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स होती है न्यूरोट्रांसमीटर से भरी हुई जो कि एक्साइटमेंट आने पे या सिग्नल आने पे यहां पे रिलीज हो जाती है इस स्पेस को साइनेप्टिक क्लेफ्ट बोलते हैं दो न्यूरॉन्स के बीच में पड़े हुए स्पेस को ठीक है सो अभी हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे नर्व इंपल्स जनरेट होना नर्व इंपल्स क्या होती है तो बेटा तो जो नर्व इंपल्स पढ़ते हैं हम न्यूरॉन में वो हम एग्जॉन में पढ़ते हैं नर्व इंपल्स यहां से जनरेट होती है एग्जॉन से

इलेक्ट्रिसिटी मूव कर रही है यहां से यहां, यहां से यहां, यहां से यहां। वो इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हम यहां पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज कर रहे हैं येमिकल अग्रे एंड जनरेशन ऑफ नर्व इंपल्स पड़े न्यूरोलेमा क्या होता है मैं इसलिए नहीं पढ़ा रही डॉक्टर नहीं आ रहा है अभी बट मैं आपको बता देती हूँ न्यूरोलेमा क्या होता है क्यों चाहिए आपको यार दो फालतू में कंफ्यूज हो गए माइलन शीत पढ़ लो नोड ऑफ भी पढ़ लो एग्जोल पढ़ लो नीरो चले आगे चले आगे आ जाओ जनरेशन एंड कंडक्शन शिट मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा था लिखने के लिए चीजें पर मैंने वो ब्लैंक स्लाइड पे लिख दी नहीं तो तुम्हें नोट्स में मिल जाती वो चीज़ें जो मैंने लिखी थी कोई बात नहीं जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स अब इसको स्टेप वाइज मेरे साथ याद करते चलना है अगर आपको याद नहीं होगा तो आप वहाँ पर गलती करने के चांसेस बनते होते हैं देखो न्यूरोन्स आर एक्साइटेबल सेल्स बिकॉज देयर मेम्रेन आर पोलराइज्ड न्यूरॉन्स जब वो रेस्ट में होते हैं जब वो कोई चीज कंडक्ट नहीं कर रहे होते तो हम उसको बोलते रेस्टिंग स्टेट में है न्यूरॉन्स। ध्यान से सुनेंगे मेरी बात कैसे कैसे चस्के लग गए हैं तुम लोगों को कि मैम 2019 में जब हाथ में माइक लेके पढ़ाते थे तो आप बहुत अच्छे लगते थे मैम प्लीज माइक हाथ में ले लीजिए तब टेक्नोलॉजी हमारे पास कम थी हम लोग गरीब होते थे इतने महंगे माइक खरीदने के पैसे नहीं होते थे खराब हो जाता था माइक अब ये तीस हजार का माइक खरीदा है अब मैं क्या करूं इसको हाथ में पकड़ के घूमू जस्ट बिकॉज तुम लोगों को पहले की याद आ जाए कि यार मैं ऐसे पढ़ाती थी उस टाइम तो मजे आ जाते थे <laughs> ये क्या बकवास है <laughs> सुनो

मेम्ब्रेन के एक साइड कोई चार्ज होना और मेम्ब्रेन की दूसरी साइड कोई और चार्ज होना ये पोलराइज्ड स्टेट होती है जैसे रेस्टिंग स्टेट में मेम्ब्रेन के बाहर पॉजिटिव चार्ज होता है एज कंपेयर टू इनसाइड इसको हम नेगेटिव मान लेते हैं ऑफ कोर्स इट्स नेगेटिव चार्ज होता नहीं है बट एज़ कंपेयर टू आउटसाइड हम इसको नेगेटिव मान लेते हैं ऐसे रेस्टिंग स्टेट में ये एक पोलराइज मेमब्रेन है जहाँ जिस मेम्ब्रेन के साथ में एक साइड पर कोई और चार्ज है एज कंपेयर टू दूसरी साइड पर है और आपको यह भी याद रखना है कौन सा कहां पे है अंदर नेगेटिव बाहर पॉजिटिव है ये पोलराइज स्टेट है ठीक है इनर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन इज नेगेटिवली चार्ज एज कम्पेयर टू आउटसाइड ठीक है न्यूरोन इज सेट टू बी एट रेस्ट वेन इट इज नॉट कंडक्टिंग एन इम्पल्स ये रेस्टिंग पोटेंशियल है रेस्टिंग पोटेंशियल आपको याद रखना है कितनाशियल है ये माइनस सत्तर है

इसका इंपल्स जनरेशन तो हम करेंगे बाद में पहले तो हमें यह बात करनी है कि पोलराइज ही क्यों हो भैया तुम उसके तीन मोटे मोटे रीजन दिए हुए हैं एनसीआरटी में पहला मेमब्रेन में लगे हुए हैं सोडियम पोटेशियम पंप जो कि ट्रांसपोर्ट करते हैं तीन सोडियम आउटसाइड एंड टू पोटेशियम इनसाइड द सेल तो भैया जरूरत से ज्यादा तुम पॉजिटिव चार्ज तीन पॉजिटिव चार्ज बाहर फेंक रहे हो और दो पॉजिटिव चार्ज अंदर रख रहे हो तो एज कंपेयर टू आउटसाइड अंदर तो कम पॉजिटिव हुआ ही ठीक है नेगेटिव अगर एज कंपेयर टू आउटसाइड देखो तो अंदर नेगेटिव है ना सो so, पहला रीजन तो ये हो गया देन नीट में क्वेश्चन आया था विच इज द मोस्ट अबंडेंट अबंड्रासेलर आयन सेल के अंदर सबसे ज्यादा आयन कौन सा होता है भैया इन्हीं पंप्स की वजह से सबसे ज्यादा पोटेशियम अंदर भरा होता है क्योंकि सोडियम पोटेशियम पंप क्या करता है तीन सोडियम बाहर फेंकता है और दो पोटेशियम अंदर फेंकता है ये भी पी क्यू है कि पंप एटीपी यूज करके कितना क्या चीज अंदर और बाहर फेंकता है तीन सोडियम बाहर फेंकता है दो पोटेशियम अंदर फेंकता है एक तो ये नीट का क्वेश्चन है डायरेक्टली दूसरा इज मोस्ट अबंडेंट सेलूलर आयन के पॉजिटिव है ये एक नीट का क्वेश्चन है ठीक है पहला रीजन हो गया दूसरा रीजन मेमब्रेन इज कंपेटिवली मोर परमीबल टू के पॉजिटिव अब देखो पहले तुमने के पॉजिटिव अंदर भर दिया एन ए पॉजिटिव को बाहर रख दिया लेकिन एट रेस्ट अभी तक कोई इम्पल्स कुछ जनरेट नहीं हो रहा है एट रेस्ट जब एक जोन ऐसे आराम से निन्नी कर रहा है कुछ नहीं इम्पल्स कुछ नहीं कर रहा है मेम्ब्रेन इज कंपैरेटिवली मोर परमिएबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम टू सोडियम ज्यादा परमिएबल है पोटेशियम में अच्छा भाई मेरे को याद आ गया मेरे को तुम लोगों को बताना था अभी मेरी अन की टीम से बात हुई थी आम, लास्ट ऑल इंडिया मॉक टेस्ट पेपर अभी इस कमिंग संडे को है ठीक है डेट देख लेना ट्वेंटी उसके बाद कोई मॉक टेस्ट नहीं है की तरफ से, जो आप के लिए किया ये सातवां और आखिरी मॉक टेस्ट है दो बजे से लेके वो पांच बीस तक जैसे कि एक्चुअल नीट का टाइम होता है तो तुम लोगों को ये मॉक टेस्ट देना है मैंने इस वीडियो के स्टार्टिंग में मॉक टेस्ट वाली स्लाइड लगा दी है वो स्कैनर है वहां पे उसको स्कैन करके कर लेना है कोड आर आपने डालना है फ्री ऑफ कॉस्ट आपने वो टेस्ट देना है आप जाओ देखो जाना कहीं नहीं घर बैठ के देना है तुम लोगों ने भैया मॉक करो मॉक तो मिलते भी नहीं है करने के लिए अच्छे क्वेश्चन हैं ठीक है जस्ट मेरे दिमाग में आ गया था एकदम से अभी कि ये चीज मुझे तुम लोगों को याद करानी है तो भैया मेमब्रेन इज कम्पेरिटिवली कमिंग बैक मेमब्रेन इज कंपेरिटिवली मोर परमीएबल टू सोडियम एंड नियरली इम टू सॉरी मोर परमेबल टू पोटेशियम एंड नियरली इम्परमल टू सोडियम

तीसरा रीजन है मेम्ब्रेन इज इम्परमीबल टू नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन्स प्रेजेंट इन एक्सोप्लाज्म सेल के अंदर जो नेगेटिव प्रोटीन्स थे उसके लिए भी इम्परमिएबल है मेम्ब्रेन तो ये बाहर नहीं जा पा रहे ये बाहर नहीं जा पा रहे ये अंदर ही रखे हुए हैं तो अंदर इन तीन चीजों की वजह से नेगेटिविटी का माहौल बन गया है माइनस सत्तर मिली वोल्ट का माहौल बन गया हुआ है समझ में आ गया अब हमने करनी है इंपल्स जनरेशन अभी तक तो सब रेस्ट पे है सब मज़े में है कुछ करना ही नहीं सब बहुत बहुत ज्यादा मजे में है अब इसी को कंक्लूड कर रही हूं एज अ रिजल्ट आउटर सरफेस ऑफ एक्सोनल मेम्ब्रेन पोजेस अ पॉजिटिव चार्ज वाइल इट्स इनर सरफेस बिकम्स नेगेटिवली चार्ज इट इज पोलराइज पोलराइज के तीन रीजन है पंप्स का रीजन है दूसरा रीजन है कि रेस्टिंग स्टेट मेम्ब्रेन इज मोर परमीएबल टू पोटेशियम तो पोटेशियम लीक आउट हो जाता है बाहर और सोडियम के लिए ऑलमोस्ट इंपरमीएबल है तीसरा रीजन है कि जो नेगेटिवली चार्ज प्रोटीन सेल के अंदर होते हैं वो बाहर नहीं निकल पाते तो वो अंदर ही ट्रैप हो जाते होते हैं ठीक है रेस्टिंग पोटेंशियल इतना अपने को बता दिया है नर्व इंपल्स जनरेशन कैसे होती है अब

नर्व इंपल्स जनरेशन और कंडक्शन समझने के लिए और तुम लोगों को क्या मस्ती चढ़ती है ये बात बोलने के लिए कि मैम आप हर बार पेपर दे देती हैं आप तो बहुत ज्यादा हमारा कॉम्पिटिशन बढ़ा देते बार बार मैं मैं केमिस्ट्री में चाहिए तुम्हारा कंपटीशन कैसे बढ़ा मैं तो सिर्फ पेपर इसलिए देती हूँ एक तो एन टी अगर अपर एज लिमिट लगा देगा तो उसके बाद पेपर ही नहीं दे पाऊंगी मैं तो इसलिए देती हूँ ताकि मैं बेटर टीचर बन सकू रे ताकि मैं जान सकूं कि मुझे क्या चाहिए क्या लैकिंग है कि मेरे 360 में 360 क्यों नहीं आ रहे क्योंकि जो मुझे ही नहीं पता होगा कि 360 से, से 360 लाने के लिए क्या चाहिए तो वो मैं अपने बच्चों को कैसे सिखाऊंगी मैं तो हर बार इसलिए पेपर देती हूँ कि मेरे आने चाहिए फुल मार्क्स फिर वही चीज़ें तो मैं बच्चों को सिखाऊंगी आ जाओ थ्रेश होल्ड पोटेंशियल एनसीआरटी में नहीं दिया इसलिए अभी हम नहीं पढ़ेंगे आ जाओ <coughs> <coughs> आ जाओ अब क्या है स्टिमुलस लगा एक्सॉन के पहले पार्ट पे आपने स्टिमुलस लगाया ठीक है अब आपने रेस्ट से हटना है अब आपने इंपल्स जनरेशन करनी है स्टिमुलस इज अप्लाइड एट साइट ए पहली चीज क्या होती है साइट ए में जो मेम्ब्रेन है वो सोडियम के लिए फ्रीली परमीएबल हो जाती है देखो अभी तक सोडियम के लिए ऑलमोस्ट इन थी मेम्ब्रेन रेस्ट में अब वो परमियेबल हो गई साइट ए बिकम्स फ्रीली परमियेबल टू सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुल जाते हैं उससे क्या होता है एकदम से क्योंकि सोडियम बाहर था बहुत ज्यादा यहाँ पे था सारा सोडियम तो वो एकदम से अंदर घुस जाता है सेल के रैपिड इन्फ्लक्स ऑफ सोडियम इन द सेल सोडियम सेल के अंदर घुस जाता है उससे क्या होता है और पोटेशियम अंदर का अंदर ही है वो तो बहुत ज्यादा बाहर नहीं निकल पाता जो जो थोड़ा थोड़ा बहुत बहुत है है तो रेस्टिंग स्टेट में भी होती पोटेशियम बाहर निकल रहा है लेकिन वो मैटर नहीं करता बहुत सारा सोडियम एकदम से अंदर घुस जाता है जैसे ही स्टिमुलस लगता है साइट ए पे पॉजिटिव चार्ज अंदर चला गया और अंदर वाला चार्ज बहुत ज्यादा बाहर नहीं आया तो अब पोलैरिटी रिवर्स हो गई अब अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया एज कम्पेयर टू आउटसाइड क्योंकि सारा सोडियम भी अंदर चला गया सारा पॉजिटिव चार्ज अंदर ही चला गया इसे बोलते हैं पोलैरिटी रिवर्स होना इसी चार्ज ठीक है कितना पॉजिटिव बेटा यही नर्व इंपल्स है यही एक्शन पोटेंशियल है कुछ नहीं किया आपने नर्व, जन, नर्व इंपल्स जनरेशन के लिए आपने बस स्टिमुलस लगाया साइट ए पे जो मेम्ब्रेन बिल्कुल इम्परमिएबल थी अभी तक सोडियम के लिए बस सोडियम अंदर झुकझुक झुकझुक अंदर घुस गया तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज अंदर घुस गया पहले पोलराइज स्टेट में क्या था अंदर नेगेटिव चार्ज था लेकिन अब सोडियम अंदर घुसने से अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया तो मेम्ब्रेन को बोलते हैं डीपोलराइज हो गई मेम्ब्रेन कितना अंदर पॉजिटिव चार्ज हो गया प्लस थर्टी मिलीवोल्ट इसी को इम्पल्स बोलते हैं इंपल्स जनरेट हो गई इसी को ही एक्शन पोटेंशियल बोलते हैं मेम्ब्रेन एट ए इज डीपोलराइज्ड पोलराइज इज रिवर्स द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एट साइट ए इज कॉल्ड एक्शन पोटेंशियल इसी को नर्व इंपल्स कहते हैं और ये प्लस थर्टी मिलीवोल्ट होता है ये साइट ए है ये साइट बी है अभी सिर्फ ए की डीपोलराइजेशन हुई है बी की डिपोलराइजेशन नहीं हुई है ये पोलराइज्ड है अभी ये ऐसा कुछ डायग्राम दिया हुआ है ना कर, करंट का करंट का सर्किट बना के वो वाला डायग्राम मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ तो तो मुझे कैसे पता चला कि डिपोलराइज है ये मेमब्रेन बेटा अंदर पॉजिटिव चार्ज आ गया उल्टा हो गया एक पोलराइज्ड मेमब्रेन में कभी भी अंदर पॉजिटिव चार्ज नहीं होगा अंदर मुझे नेगेटिव चार्ज होगा माइनस सत्तर का अब तुम देखो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया ये डीपोलराइज स्टेट है ये अभी यहाँ तक अभी इसका डिपोलराइजेशन हुआ नहीं है ये पोलराइज्ड स्टेट है बस एक बार देख लो कि आ, क्या कहते हैं करंट का कंडक्शन कहाँ से कहाँ हो रहा है कंडक्ट बहता है कर, कंडक्ट नहीं करंट बहता है पॉजिटिव से नेगेटिव की साइड पॉजिटिव आयंस जहाँ पे होते हैं वो बहेंगे नेगेटिव की साइड तो जो करंट का फ्लो है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है एग्जॉन के अंदर से से समझ रहे हो ये के अंदर है में वो ए टू बी जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव की बहता है और सर्किट पूरा करने के लिए जस्ट एग्जॉन के बाहर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड में ये करंट जो है क्योंकि बाहर इधर पॉजिटिव है इधर नेगेटिव हो गया इधर से इधर बहेगा बी टू ए बहेगा करंट सर्किट पूरा करने के लिए नहीं समझ में आ रहा रट्टा मार लो ये तो समझ में आ रहा है ना साइट ए पे पॉजिटिव हो गया साइट बी पे अभी भी नेगेटिव है अब यहाँ पे डीपोलराइजेशन नहीं हुई है तो बस करंट पॉजिटिव टू तो नेगेटिव फ्लो करा दो उससे उल्टा बाहर करा दो हो जाएगा हो जाएगा आगे चलो अब क्या होता है इन एक्सोप्लाज्म सम सोडियम फ्लो फ्रॉम ए टू बी अच्छा अब देखो होता क्या है अभी तो ए में डीपोलराइजेशन हुई डीपोलराइजेशन हुई ये तो अभी भी पोलराइज है ये तो अभी भी पोलराइज है तो अब इसका डीपोलराइजेशन होना है अगर यहां पर डीपोलराइजेशन हुई उसके बाद यहां डीपोलराइजेशन होगी इसको हम बोलते हैं कि इंपल्स ट्रैवल कर गई पहले यहां प्लस थर्टी हुआ फिर यहां प्लस थर्टी हुआ तो प्लस थर्टी यहां से यहां मूव कर गया इसको बोलते हैं हम इंपल्स ट्रेवल कर गई तो इंपल्स ट्रेवल कैसे करती है कुछ नहीं बेटा यहां से जितना सोडियम अंदर आया होता है इसमें से कुछ थोड़ा सा इधर मूव कर जाता है इधर मूव करता है तो ये यह यहां की सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल्स को एक्साइट कर देता है और अब वो ओपन हो जाती है एकदम से इसकी परमिबिलिटी सोडियम के लिए इंक्रीज हो जाती है वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल एनसीईआरटी में कहीं नहीं दिया आपको नहीं पढ़ना आपको बस ये सीखना है पहले इसकी परमिबिलिटी एकदम से चेंज जाती है सोडियम के लिए यहां पॉजिटिव हो जाता है इंपल्स जनरेशन यहां पे हो गई फिर यहां से यहां थोड़ा कंडक्ट किया क्या कहते हैं करंट मूव किया करंट कुछ नहीं है सोडियम आयन आयनजी मूव करते हैं इधर से इधर यहां से यहां थोड़ा करंट मूव किया फिर एकदम से इसकी परमेबिलिटी चेंज हो गई सोडियम के लिए बहुत सारा सोडियम बहुत सारा सोडियम एंटर कर गया ठीक है तो ये डिपोलराइज हो गया तो हम कहते हैं इंपल्स यहां से यहां मूव कर पहले यहां प्लस थर्टी था फिर यहां प्लस थर्टी होगा अब क्या होगा नेक्स्ट में क्या होगा मान लो मैं यहां पे सी भी बना देती हूँ सी भी बना देती अब यहां पर प्लस थर्टी हुआ यहां से यहां करंट मूव कर गया थोड़ा सा सोडियम यहां मूव कर गया तो ये वाली मेमब्रेन जो है परमिएबल हो गई एकदम से सोडियम के तरह तुम्हें तो यह मत पूछना मैम यहां पर सोडियम यहां गया तो ये मेब्रेन क्यों परमेबल हो जाती है अब वो लंबा कॉन्सेप्ट है वो नहीं बताना मेरे को तुमको मुझे सिर्फ बताना है तुम लोगों को कि यार सोडियम यहां से आ गया तो अब ये वाली मेमब्रेन परमेबल हो गई एकदम से सोडियम बहुत सारा अंदर चला गया तो एकदम से यहां डिपोलराइजेशन होगी डीपोलराइजेशन आगे चलती रहेगी इसी को इंपल्स कंडक्शन कहते हैं कि यहां पर पहले प्लस थर्टी हुआ फिर यहां प्लस थर्टी हुआ फिर यहां प्लस थर्टी हुआ समझ में आया समझ में आया ठीक है अब पिछली वाली जो वो है अब ये डिपोलराइज होते जा रहे हैं आगे आगे अब इसको वापस भी तो पोलराइज होना है अब इसको वापस भी तो पोलराइज अब डिपोलराइज थो थोड़ी रही जाएगी अगली बार भी तो नर्व इंपल्स कंडक्ट करना है अगली बार भी तो डीपोलराइज होना है तो पहले पोलराइज तो हो तो पोलराइज कैसे होते हैं यहां पे जब यहां पे डीपोलराइजेशन हो रही होती है तब इसकी परमेबिलिटी फिर से नॉर्मल आ जाती है सोडियम के लिए जैसे यहां परमेबिलिटी बढ़ी थी पहले यहां परमीबिलिटी बढ़ी यहां से सोडियम अंदर आ गया फिर थोड़ा सोडियम यहां गया करंट यहां गया फिर यहां परमिबिलिटी बढ़ गई जब यहां परमिबिलिटी बढ़ रही थी तो यहां परमेबिलिटी बंद हो गई अब और सोडियम अंदर नहीं आएगा यहां पर अब एकदम से पोटेशियम की परमेबिलिटी बढ़ेगी और बहुत सारा पोटेशियम अब बाहर जाएगा पोटेशियम के बाहर जाने से फिर से अंदर माइनस सेवेंटी मिली वोल्ट का माहौल बन जाएगा अब पोटेशियम बाहर गया पोटेशियम बाहर गया पोटेशियम गेटेड चैनल खुल जाती है थोड़े टाइम बाद पोटेशियम बाहर गया फिर से माइनस सेवेंटी हो गया क्योंकि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया तो देखो यहां पे इसको स्टेप को बोलते हैं रीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन भैया रीपोलराइजेशन तो बढ़िया है अंदर फिर से माइनस सेवेंटी हो गया बस आय उल्टे हो जाते हैं अब के पॉजिटिव बाहर हो गया एन पॉजिटिव अंदर हो गया उल्टा होना चाहिए के पॉजिटिव इज द मोस्ट अबंडेंट कुछ नहीं है फिर पंप्स जो होते हैं वो हेल्प कर देते हैं पंप्स के पॉजिटिव को अंदर फेंक देते हैं सोडियम को बाहर फेंक देते हैं पर जो रीपोलराइजेशन की स्टेप है वो कहां से आई है डीपोलराइजेशन क्वेश्चन कैसे आएगा डीपोलराइजेशन किससे होता है इम्पल्स जनरेशन किससे होता है कि यार इसकी मेम्रेन की परमिबिलिटी बढ़ जाती है सोडियम के लिए सोडियम गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं तो बहुत सारा सोडियम अंदर आता है लेकिन हम प्लस थर्टी में ही तो नहीं रह सकते हमेशा माइनस सेवेंटी में वापस जाना पड़ेगा अब हमें रीपोलराइज होना पड़ेगा तो रिपोलराइजेशन कैसे होगी यार इसकी मेम्ब्रेन की परमिबिलिटी एकदम से उसके बाद पोटेशियम के लिए बढ़ती है और बहुत सारा पोटेशियम बाहर जाता है जो अंदर फिर से नेगेटिव चार्ज को जनरेट करता है माइनस सेवेंटी को इसे रीपोलराइजेशन कहते हैं सो so, क्यों हो रहा है पोटेशियम वोल्टेज वोल्टेज गेटेड चैनल्स खुलने की वजह से अब बस आयन उल्टे करने वो पंप कर देगा तो जब यहां पर डीपोलराइजेशन हो रही होती है सोडियम यहां पर अंदर आ रहा होता है तब यहां पर रीपोलराइजेशन हो रही होती है पोटेशियम बाहर जा रहा होता है फिर जब अगले सेगमेंट में डीपोलराइजेशन हो रही होती है यहां पर सोडियम अंदर आ रहा होता है तो इसमें रीपोलराइजेशन हो रही होती है पोटेशियम बाहर जा रहा होता है समझ में आ गया भैया इतने पैसे में इतना ही मिलेगा ये वन शॉर्ट रिवीजन है मैंने पूरी कोशिश करी कि तुम लोगों को समझ में आ जाए दस द इम्पल्स जनरेटेड एट साइट ए अराइव एट साइट बी बस तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी है वही चीज जो मैंने बोला वही मैं पढ़ा रही हूँ साइमल्टेनियसली एट साइट ए सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल क्लोज सो मेम्रेन अगेन बिकम्स अनपरमेबल इमपरमेबल टू सोडियम उटोर द रेस्टिंग पोटेंशियल प्रियांशु हाइपर पोलराइजेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो एनसीआरटी में नहीं दिया हुआ सिंपल सी बातें हैं क्या याद रखना है नॉर्मल में जब न्यूरोन होता है जितना मैं बोल रही हूं उतना सुन लो क्वेश्चन निकल जाएगा तुम्हारा जब नॉर्मल में न्यूरॉन होता है कोई इंपल्स जनरेशन नहीं होता है, तो वो पोलराइज स्टेट में है पोलराइज मतलब मेरे अंदर नेगेटिव माइनस सेवेंटी है और बाहर पॉजिटिव है बाहर मेरे सोडियम ट्रैप हो रखा है अंदर मेरे पोटेशियम ट्रैप हो रखा है ठीक है अब जब इंपल्स जनरेशन करनी है तो पहले सेगमेंट में सोडियम के लिए परमिबिलिटी बढ़ा दो एकदम से सोडियम अंदर चला गया बहुत सारा तो प्लस थर्टी हो जाएगा फिर अगले सेगमेंट में थोड़ा सा सोडियम भेज दो इधर तो यहां परमिबिलिटी बढ़ा दो सोडियम की फिर यहां पे सोडियम अंदर घुस जाएगा यहां हो जाएगा तब तक जो पहले वाला पोटेशियम की माइनस सेवनटी तो तो फिर से बन जाएगा ठीक है समझ में आ गया साइन पे चलूं नर्व इंपल्स जनरेशन कैसे होती है डीपोलराइजेशन की वजह से होती है सोडियम के लिए परमिबिलिटी बढ़ने से होती है एकदम से सोडियम बहुत सारा अंदर आ तब प्लस थर्टी रीपोलराइजेशन कैसे होती है रीपोलराइजेशन कैसे होती है पोटेशियम की परमिबिलिटी बढ़ने से होती है पोटेशियम बहुत सारा बाहर चला जाता है पंप्स हमेशा वर्क करते हैं आसिफ अली बट पंप्स को हम इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं जिगर पर दसानी नहीं रिद्धि गर्ग मैम आई गॉट थ्री फिफ्टी सिक्स ओ रिद्धि फिर तूने मुझे आ, वो तो किया नहीं ईमेल आईडी भाई तेरा इंटरव्यू क्यों नहीं है मेरे पास फिर मेरा ईमेल आईडी है रितु आर आई टी यू आर ए डबल टी ई डब्ल्यू ए एल एट द रेट जी मेल डॉट कॉम इस पर मैसेज कर मेरे को अपने रिपोर्ट कार्ड के साथ अगर तेरे थ्री फिफ्टी सिक्स मार्क्स आए हैं तो

और जो पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन है जो डेंड्राइट की मेम्ब्रेन है उनके बीच में फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है जिसको साइनेप्टिक लेफ्ट बोलते हैं यहाँ पे न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज होते हैं न्यूरो ट्रांसमीटर्स केमिकल्स रिलीज होते हैं ये बहुत कॉमन साइन है हमारी बॉडी में और ये स्लो काम करते हैं एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिकल साइनएप्स इलेक्ट्रिकल साइनएप्स बहुत ज़्यादा फास्ट होते, है, होते हैं रेयर होते हैं बॉडी में दो जो प्री साइनेप्टिक और पोस्ट साइनेप्टिक मेमरी ने वो बिल्कुल पास है कोई स्पेस नहीं होता उनके बीच में और यहाँ पर ऐसे गैप जंक्शन होते हैं So, सीधा सोडियम यहां से यहां मूव करता है इलेक्ट्रिसिटी पासिस फ्रॉम वन न्यूरोन टू एन कोई केमिकल नहीं रिलीज होता बीच में ठीक है बोथ आर इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी, इलेक्ट्रिक करंट फ्लोस डायरेक्टली फ्रॉम वन न्यूरोन टू अदर डायग्राम ये डायग्राम ध्यान से रखो ये डायग्राम आता है देखो निस ग्रेन्यूल मार्क करने को आ सकता है सारा चीज समझ में आता है ये डेंड्राइट है ये निसल है, ये सेल बॉडी है ये न्यूक्लियस है ये श्वान सेल है ये एक्सॉन है ये माइलन शीथ है ठीक है इसके देखो जहां जो पे जहां जो न्यूक्लियस दिया उसको श्वान सेल मार्क किया हुआ है इसकी मेम्ब्रेन को ऐसे माइलन शीत मार्क किया हुआ है नोड ऑफ रेनवियर बीच में स्पेस है ये एक्सॉन टर्मिनल है ईजी है, है ये डायग्राम समझ में आता है यहां पे डीपोलराइजेशन दिखाई हुई है तभी देखो इतना सोडियम अंदर गया हुआ है जब सोडियम अंदर जाता है यहां पे देखो ए से बी में अंदर की तरफ करंट ऐसे जा रहा है अंदर से ए से बी में जा रहा है और बाहर बी से ए में करंट जा रहा है सर्किट पूरा करने के लिए ठीक है ये डायग्राम पे क्वेश्चन आते होते हैं ध्यान से देखो मैं बना के दिखा देती हूं ये दिखाया हुआ है एग्जोन का साइनेप्टिक बल्ब

ये न्यूरो ट्रांसमीटर अपने रिसेप्टर्स पे जाके ऐसे लग जाते हैं देखो मार्क करने के लिए आ सकता है सब कुछ लोगों को ध्यान से देख के जाएंगे ये वाला चलो वापस चलो ब्रेन पे चले ब्रेन पे चले बेटा अरे जोश चाहिए ब्रेन पे चलें कि ब्रेन पे ना चलें इलेक्ट्रिकल साइनापिस की लोकेशन नहीं आएगी नीट में शहनाज एक्शन पोटेंशियल हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है कौन बच्चा पूछा ये सही अच्छा क्वेश्चन है एफ डी हमेशा यूनिडायरेक्शनल होता है क्यों होता है क्योंकि हमारे से पीछे वाली जो मेम्ब्रेन होती है वो डीपोलराइज स्टेट में होती है अभी अभी वो दोबारा से कंडक्ट नहीं कर सकती इंपल्स सो so, हमेशा अगली साइड जो हम हाँ, मिलती है उसी साइड कंडक्ट होता है चलो ब्रेन ब्रेन को सेंट्रल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ऑर्गन भी कहा गया है कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम ऑफ बॉडी भी कहा गया है बड़े सारे फंक्शन लिखाए हुए हैं इसके एनसीईआरटी में जैसे कि इट इज अ साइट फॉर प्रोसेसिंग विजन हियरिंग स्पीच मेमोरी इंटेलिजेंस इमोशंस थॉट्स और क्या करता है ये वॉलेंट्री मूवमेंट्स को कंट्रोल करता है बैलेंस ऑफ बॉडी को कंट्रोल करता है फंक्शन ऑफ वाइटल इनवॉलेंट्री ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है थर्मो रेगुलेशन रेगुलेशन ऑफ हंगर थर्स्ट सर्केडियन रिदम को कंट्रोल करता है एक्टिविटीज ऑफ सेवरल एंडोक्राइन ग्लैंड को कंट्रोल करता है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करता है ऑफकोर्स ब्रेन के अलग अलग पार्ट ये चीज़ों को कंट्रोल करते हैं अगर हम ब्रेन के कवर की बात करें प्रोटेक्शन की बात करें तो हमें सबसे पहले ब्रेन की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होती है क्रेनियम जो बोन होता है ठीक है स्कल स्कल के दो पार्ट होता है ना क्रेनियम एंड फेशियल बोन्स तो क्रेनियम सबसे बाहर वाला पार्ट है जिसके ऊपर बाल है है ना क्रेनियम के ऊपर स्किन है स्किन के ऊपर बाल है ये बोनी पार्ट है उसके नीचे तीन लेयर है मेनजिस पे बहुत सारे पी आपको मिल जाएंगे Coverings of brains को को बोलते हैं और meninges, spinal cord को भी cover करती हैं। और भी करती तो आउटर मोज से इनर मोज देखो तो सबसे बाहर को बोलते हैं tough mother, arachnoid matter, और सबसे अंदर होती है piamater, जो brain से चिपकी होती है सॉफ्ट मदर ये तीन आपके पास मेन हैं। आपको याद करना है बाहर से अंदर का सीक्वेंस क्या होता है ब्रेन के ह्यूमन ब्रेन के तीन पार्ट्स हैं फोर ब्रेन मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन फोर ब्रेन के फिर से पार्ट है सेरिब्रम जो ब्रेन का सबसे बड़ा पार्ट है सेरिब्रम ऐसे बर्गर की तरह दो जैसे बर्गर के दो पार्ट होते हैं वैसे सेरिब्रम के भी दो पार्ट होते हैं ठीक है इनको बोलते हैं सेरिब्रल हेमीस्फेर्स दो पार्ट को बोलते हैं सेरिब्रल हेमी जो कि कॉर्पस कैलोजम नाम के एक न्यूरोनल uh, बैंड से जुड़ते हैं जैसे दो हेमिस्फेर है, एक ये, ये, ये एक हेमिस्फेर ये, यहां पे ऐसे बैंड होता है है। इसको करने के लिए, जिसको ये भी नीट का क्वेश्चन कॉर्पस कैलोजम कहते हैं अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्ड डायनसेफ्लॉन हालांकि शब्द नहीं दिया उसने कहा कि सेरिब्रम इज रैप्ड अराउंड स्ट्रक्चर कॉल्डस थेलमस इज एक्चुअली पार्ट ऑफ डाइनसेफ्लॉन डेनसेप्लॉन में हाइपोथेलमसलमस और पिनिक गैंड आता है ये डैनसेप्लॉन के पार्ट है और ये फिर फोरब्रेन के भी पार्ट है ये बहुत इनका एक एक का फंक्शन हमें समझना है ठीक है जैसे थैलमस को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर कोआर्डिनेशन सेंटर आपको ये याद करना है एज सच

हाइपोथैलमस पे जिसपे बार बार क्वेश्चन आता है वो है थर्मोस्टैट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर रेगुलेट करता है ये आपकी बॉडी का बेटा देन दूसरा क्वेश्चन जो आता है हंगर और फूड uh, का सेंटर कि आपको कितनी भूख लगी हंगर एंड थर्स्ट का सेंटर कितना पानी पीना है कितना खाना खाना है ये हाइपोथैलमस आपको बताता है ठीक है प्लस लिम्बिक सिस्टम के साथ जुड़ के ये इमोशनल ब्रेन बनाता है हमारा हमारी सारी फीलिंग्स रेज गुस्सा प्यार ये सारी फीलिंग्स हाइपोथैलेमस प्लस लिम्बिक सिस्टम से आती है ठीक है अभी एक बार एनसीईआरटी पढ़ लेंगे मिड ब्रेन का कोई पार्ट नहीं सिर्फ चार कॉर्पोरा पूरा क्वार्टर जमीना होता है मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में तीन पार्ट्स हैं पॉन्स मिड्यूला एंड सेरिबलम इनके फंक्शन हम अलग अलग करेंगे तो क्यों ना हम ब्रेन का स्ट्रक्चर पढ़ लें

मेड्यूला इज एक्चुअली द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन मेड्यूला जो मैंने बहुत ही गंदा लिखा है इज द लोअर मोस्ट पार्ट ऑफ योर ब्रेन फिर उसके ऊपर एक ऐसे बड़ा सा स्ट्रक्चर है ऐसे इसको बोलते पॉन्स और इनके पीछे फिर दो सेरिब्रल हावस हैं ऐसे सिंगल नहीं दो सेरिब्रल और ये भी ऐसे कॉन्वोल्यूटेड होते हैं मैंने गंदा बनाया Convoluted क्यों होते है बेटा ताकि ज्यादा से ज्यादा तीनों आपका हैंड ब्रेन हो गया एक बार मैं वाले डायग्राम से भी सिखा दूंगी ठीक है अब इसके ऊपर आपका मिड ब्रेन रखा होता है यहाँ पे एक ऐसे डब्बा सा होता है बेटा ऐसे इसके पीछे ऐसे प्रोजेक्शन होती हैं ऐसे ठीक है अगर आप ऐसे थ्री डी में देखोगे इसको ऐसे अगर आप थ्री में देखोगे तो ऐसे ऐसे चार प्रोजेक्शन होती हैं ऐसे इसको क्वारपोरा क्वार बोलते हैं ऐसे बैक साइड साइड पे पे ये बहुत इजी है ब्रेन का स्ट्रक्चर जिन बच्चों को लगता है कि स्ट्रक्चर फंक्शन आता नहीं है बहुत इजी है देखो मैंने हाइंड ब्रेन और मिड ब्रेन तो बना भी दिया अब क्या बचा है फोर ब्रेन ही तो बचा है ये बेसिकली ऐसे ठीक है अब इनके बीच में से एक स्पाइनल फ्लूड की एक ट्यूब निकल रही है बेटा, ऐसे, यहां यहां तो इसको बोलते हैं सेरिब्रल एक्विडक्ट एक्विडक्ट में सीएसएफ भरा होता है सेरिब्रोल स्पाइनल फ्लूड भरा होता है और ये सिर्फ इतने पोर्शन को बोलते हैं जब वो मिड ब्रेन में से जाती है जब नीचे से जाती है तो इसको सेक्विडक्ट नहीं बोलते और यहां जाके एक ऐसे बड़ा सा पूल सा बना लेती है तालाब सा बना लेती है जो कि ऐसे सारीबेलम में एंटर कर जाता है इसको बोलते हैं हैं फोर्थ वेंट्रिकल देखो तुम्हें पूरा फोर क्या कहते जो हाइंड ब्रेन है प्लस तुम्हें मिड ब्रेन आ चुका है ब्रेन स्टेम क्या होती है इन तीनों चीजों को मिला के ब्रेन स्टेम बोलते हैं बेटा और ब्रेन स्टेम का फंक्शन भी दिया हुआ है एनसीईआरटी में मिड ब्रेन को मिला के पॉन्स को मिला के और मेड्यूला को मिला के हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं देखो ब्रेन की एक डंडी सी लगती है मिड ब्रेन को पॉन्स को और मेड्यूला को मिला के हम ब्रेन स्टेम बोलते हैं ब्रेन स्टेम हम बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को जोड़ती है हालांकि मुझे नहीं पता ऐसे क्यों लिखा हुआ है क्योंकि ये खुद भी ब्रेन है बट ऐसे लिखा है एनसीआरटी में स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन को कनेक्ट करती है हमारी ब्रेन स्टेम ब्रेन की डंडी जिसमें मिड ब्रेन पॉन्स और मेड्यूला है ठीक ये जो, जो ये है ये कोई फंक्शन नहीं दिया मिड ब्रेन पे क्वारा तो पे क्वेश्चन आएगा कि ये डॉर्सल साइड ये पीछे वाला साइड है ब्रेन का ये आगे वाला साइड है एंटीरियर मतलब बंदे की आंख यहां पे है डॉर्सल साइड पे चार गोलियां से लगी हुई है प्रोजेक्शन लगी हुई है जिसको कॉर्पोरा क्वार बोला हुआ है ठीक है पॉन्स का फंक्शन आ सकता है तुम लोगों को पॉन्स का एक फंक्शन जो एनसीईआरटी में लिखा, लिखा में लिखा है ये ब्रेन के डिफरेंट पार्ट्स को कनेक्ट करती है ब्रिज ऑफ द ब्रेन है ब्रिज ऑफ द ब्रेनआर एनसीईआरटी में लिखा हुआ बट ये लिखा है कनेक्ट्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन प्लीज अंडरस्टैंड कि थैलेमस से इसको अलग रखना है हमने थैलेमस क्या है कोऑर्डिनेट्स द इनकमिंग एंड आउटगोइंग सिग्नल कोऑर्डिनेशन सेंटर है याद रखना है पॉन्स क्या है सिर्फ एक ही फंक्शन दिया हुआ है पॉन्स का नेक्ट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन अभी मैं एनसीआरटी भी पढ़ा दूंगी मेड्यूला बहुत सारे इन फंक्शंस फंक्शन को इन वॉलेंटरी फंक्शन को रेगुलेट करता है जैसे ब्रीदिंग रेट को करता है ये इसमें आर होता है रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है जैसे गैस्ट्रिक सिक्रीशन को करता होता है ठीक है जैसे हार्ट रेट पे यहाँ पे न्यूरॉन्स जाके हार्ट रेट को अफेक्ट करते हैं वैसे तो हार्ट रेट एसेन से जनरेट होता है पर ये ये से, जिन्रेट से जिन्रेट को रेगुलेट कर सकता है वॉमिट सेंटर यहां पर स्नीजिंग सेंटर यहां पर कॉफिंग सेंटर यहां पे बहुत सारे इनवॉलेंट्री फंक्शंस को ब्रेन का लोअर वाला पार्ट रेगुलेट करता है अभी एनसीआरटी में बात कर लेते हैं सेरिबेलम तीन चीजें करता है बैलेंस पोस्टर एक और चीज था बैलेंस ऑफ बॉडी पोस्चर ऑफ बॉडी एक और चीज तो भूल गई मैं अभी याद आ जाएगा कोई बात नहीं थोड़ी देर में अब आ जाओ फोर ब्रेन पे हाँ कार्डियोवेस्कुलर सेंटर वही हार्ट वाला सेंटर बेटा यही पे मेडुला मेड्यूला पे है, जो हार्ट रेट को फेट करता है ठीक है आ जाओ अब आ जाओ फोर ब्रेन पे फोर ब्रेन में या तो सेरिब्रम है या तो थैलेमस है तो हमें यहां पे ऐसे एक और वेंट्रिकल ऐसे नजर आता है जिसको हम थर्ड वेंट्रिकल बोलते हैं थर्ड वेंट्रिकल फोर ब्रेन का ही पार्ट है थर्ड वेंट्रिकल के पीछे एक स्ट्रक्चर ऐसे में ऐसे ऐसे, में बनाया हुआ है ये आपका पीनियल ग्लैंड है ऐसे जो कि डायन सेफलॉन का पार्ट है यहां पे एक बिंदी सी बनाई हुई है ये पेयर स्ट्रक्चर है एक बिंदी उस साइड को भी होगी जो आपको दिख नहीं रही ये थैलमस बनाया हुआ है ऐसे ठीक है और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर ऐसे करके बनाया हुआ है हाइपोथैलमस और इसका ऐसे स्ट्रक्चर ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ये हाइपोथैलमस है ये बेस ऑफ द फोर ब्रेन पे है हाइपोथैलमस क्योंकि ये फोर ब्रेन है ये फोर ब्रेन का बेस है हाइपोथैलमस हाइपोथैलमस एक डंडी से जुड़ा होता है पिट्यूटरी से इस डंडी को इनफंडिबुलम बोलते हैं ये पिट्यूटरी है नीचे लटका हुआ ठीक है एक बार मैं ये एनसीआरटी से दिखा दूं जितना मैंने भी पढ़ा है, आज देखो ध्यान से देखेंगे इसको। इसको जूम इन जूम इन इन कैसे करते भाई? तुम हो हो, जाते हो, लड़के? ये तो नहीं होना चाहता बेटा कोई बात नहीं मैं ऐसे पढ़ा दूंगी ध्यान से बात सुनो मैम की ये नीचे वाला पार्ट मेड्यूला है दिख रहा है यहां से यहां ठीक है मैं रेड में करती हूं ये मेड्यूला है, 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 देखो ऐसे चौड़ा सा पार्ट ऐसे ये मिड ब्रेन है ठीक तो mm. totally mm. है।, है देखो ये मिड ब्रेन इन्होंने गलत मार्क किया बेटा एनसीईआरटी में गलत मार्क किया है आपने सही मार्क करके आना कि मैम एनसीईआरटी में दिया तो आपने कहा था एनसीईआरटी भगवान होती बट ये टोटली गलत है ये मिड ब्रेन है बेटा ये मिड ब्रेन है ये थर्ड वेंट्रिकल है है पे मिड ब्रेन को मार्क किया हुआ है ये आपकी ब्रेन स्टेम है ये मिड ब्रेन

अगर मिडब्रेन अगर यहां है तो सेरिब्रल एक्विडक्ट फिर यहां क्या कर रहा है तो एनसीआरटी एक ना एक बात तो गलत कर ही रही है सेरिब्रल एक्विडक्ट तुमको इधर दिया हुआ है ना ये देखो ये मार्क किया हुआ है दैट यही होना चाहिए में सेरिब्रल एक्विडक्ट है फिर देखो ये जो फ्लूड वाला पोर्शन है बेटा ये थर्ड वेंट्रिकल है जो कि मार्क नहीं किया हुआ है एनसीआरटी में ये थैलमस है देखो ये ये थैलमस है ये थैलमस है ये हाइपोथेलमस है ये हाइपोथेलमस है ये है ये पिट्यूटरी है ये ये देख रहे हैं? आप नीचे ऐसे ऐसे पीछे को निकला हुआ है ये पीनियल ग्लैंड है अगर आप केयरफुली देखोगे ये देख है ऐसे बाहर निकला ये पीनियल ग्लैंड है यहां तक समझ में आया यहां तक समझ में आया बोलो ब्रेन हार्ट को कंट्रोल करता है बेटा ब्रेन जो है आपका मेड्यूला जो है वो हार्ट रेट को बढ़ा सकता है इंपल्स जनरेशन हार्ट रेट के लिए से होती है वो पेसमेकर ऑफ द हार्ट है लेकिन उसको अफेक्ट किया जा सकता है डिकसेशन ऑफ पिरामिड नहीं आएगा नीट में अपने को नीट के हिसाब से रिविजन करना है अभी इमोशनल कंट्रोल हाइपोथलमस प्लस लिम्बिक सिस्टम से होता है इतना आ गया डायग्राम ना अब देखो ऊपर क्या बना हुआ है और ये क्या हुआ है बस तुम्हें सिर्फ अब ये पट्टा समझना है बाकी तुम्हें सब आता है बेटा सब कुछ आता है तुम्हें अब ध्यान से देखो यहां पे क्या है वापस आओ मेरे साथ डायग्राम में बस अपने को फंक्शन पढ़ना है ब्रेन खत्म हो गया फिर और क्या है? तुम्हें क्या लग रहा है ब्रेन में कितना टाइम लगेगा तो पट्टी पट्टी जीन परस अब देखो ये थर्ड वेंट्रिकल दिखाया देखो थर्ड वेंट्रिकल में ऊपर एक ऐसे अजीब सा वो दिखाया हुआ है ऐसे करके कुछ ऐसे करके दिखाया हुआ है ऐसे करके ये लेटरल वेंट्रिकल दिखाया हुआ है बेटा लेटरल वेंट्रिकल दिखाया है जो तो कि दो वेंट्रिकल्स होते हैं सेरिब्रम के अंदर ऐसे सा कुछ अजीब सा दिखाया हुआ है उसको आपने ज्यादा चिंता नहीं करना है यहां पे लेटरल वेंट्रिकल दिखाया हुआ है इसके ऊपर देखो क्या दिखाया हुआ है सेरिब्रम दिखाया है बच्चों इसके ऊपर सेरिब्रम दिखाया हुआ है ऐसे करके देखो ऐसे से करके सेरिब्रम दिखाया हुआ है ठीक है चलो सेरिब्रम दिखाया बहुत बढ़िया सेरिब्रम को हम थोड़ा डिटेल में भी पढ़ लेंगे कहां पे क्या है इसके सेरिब्रम के ऊपर जहां पे सेरिब्रम दिखाया है यहां पे एक बैंड दिखाया हुआ है ऐसे इसको मार्क किया हुआ है कॉर्पस कैलोजम तो ये आपको मार्क करना आना चाहिए आपका ब्रेन का डायग्राम पूरा है देखो मेडुला पॉन्स मिड ब्रेन ठीक है ये सेरिबेलम हाइंड ब्रेन का पार्ट है अब यहां से फोर ब्रेन शुरू हो गया फोर ब्रेन में ये जो बिंदु सा है ये थैलमस है ये जो चोंच सी है ये हाइपोथैलमस है फिर इन्फंटिबुलम और ये पिट्यूटरी ये ग्लैंड इसके पीछे लेट्रल वेंट्रिकल इसके ऊपर लेट्रल वेंट्रिकल और उसके ऊपर कॉर्पस दिखाया हुआ है और फिर यहां पे पूरा सेरिब्रल हाफ दिखाया हुआ है अब देखो मैं तुम लोगों को दिखा देती हूं कि सेरिब्रम कैसे बनेगा सेरिब्रम के बारे में कुछ बातें कर लेते हैं आज और फिर फंक्शन की बात कर लेते हैं सेरिब्रम कैसे बनेगा सेरिब्रम ऐसे कॉन्वोल्यूटेड होता है बुरी तरीके से ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ होता है जो अंदर के साइड डिप्रेशन होते हैं उसको क्या बोलते हैं सल्कस और जो बाहर की साइड निकले होते हैं उसको बोलते हैं गायरस जी वाई आर यू एस गायरस जो ग्रे मैटर होता है वो बाहर को पड़ा होता है बेटा ग्रे मैटर बाहर को क्यों पड़ा होता है क्योंकि यहां पे आपकी सेल बॉडीज पड़ी होती हैं ऐसे ग्रे मैटर है ये और जो इनके माइलिनेटेड एग्जोन है वो नीचे पड़े होते हैं ऐसे इसलिए व्हाइट मैटर अंदर होता है यहां पर कुछ न्यूरॉन्स के एग्जॉन्स ऐसे जा रहे होते हैं दूसरे वाले सेरिब्रल हेमिसफेयर में ऐसे ऐसे जा रहे होते हैं दूसरे वाले हेमिसफेयर में अटैच करने के लिए कॉर्पस कॉर्पस केलो, कैलोजम के न्यूरोन्स यहाँ पे ऐसे ठीक है अब सुनो यहां पे थैलमस है कहीं पे, यहां पे कहीं थर्ड वेंट्रिकल है यहाँ पे थैलमस है सो so ये थैलमस में सिग्नल देते हैं ऐसे फिर थैलमस नीचे लेके जाता है जब ऊपर भी सिग्नल आता है पहले में आता है फिर वो ऐसे ब्रेन के सेरिब्रम के किसी किसी पार्ट में जाता है इसलिए इसको को कोऑर्डिनेशन सेंटर बोलते हैं कोऑर्डिनेशन सेंटर ठीक है अब जो ये ग्रे मैटर है इसमें कुछ जो है सिग्नल ऊपर आता है और ऐसे एरियाज होते हैं जो कि सिग्नल रिसीव करते हैं उनको सेंसरी एरियाज बोलते हैं ठीक है कुछ ऐसे एरियाज हैं रिसीव ये रिसीव करते हैं इंफॉर्मेशन कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि कमांड देते हैं मान लो यहां से नीचे को कमांड दे रहे हैं कि ऐसा कर लो ऐसा कर लो इनको मोटर एरियाज बोलते हैं कमांड देने वाले एरियाज को और कुछ एरियाज होते हैं जो कि डिसाइड करते हैं डिसीजन लेते हैं जो कि ना प्योरली सेंसरी होते ना प्योरली मोटर होते हैं उनको एसोसिएशन एरियाज बोलते हैं ये मार्क नहीं किया हुआ कहीं पे ब्रेन में मैंने बस ऐसे ही मार्क कर दिया हुआ है एसोसिएशन एरियाज प्योरली ना तो सेंसरी होते हैं ना प्योरली मोटर होते हैं वो करते हैं को ये बेसिक सा डायग्राम है आपके ब्रेन का ठीक है जी आपको ये स्ट्रक्चर पता चल गया फंक्शन कर लू मैं आपके साथ ब्रेन खत्म करें आओ एनसीआरटी से ब्रेन खत्म करते हैं देखो वेल well प्रोटेक्टेड ये सब हो गया ये नहीं मैं बात कर रही आगे बात करते हैं आप काम की बात पे आओ देखो द फोर ब्रेन कंसिस्ट ऑफ ऐसे क्वेश्चन आता है देखो फंक्शन पे तो आ जाता है क्वेश्चन लेकिन स्ट्रक्चर पे बहुत क्वेश्चन आते हैं ब्रेन में सेरिब्रम थैलमस हाइपोथैलमस ठीक है जो कि ऑफकोर्स ये डायनसेप्लॉन का पार्ट है सेरिब्रम फॉर्म्स मेजर पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन द डीप क्लेफ्ट डिवाइड द सेरिब्रम लॉन्गिट्यूडली इन टू टू हाफ सेरिब्रम जैसे एक सेरिब्रल हाफ की मैं बात करूं ना तो मैं पता है सेरिब्रम ऊपर बोन से ढका हुआ है ये फ्रंटल बोन है ये पेराइटल बोन है ये ऑक्सीपिटल बोन है टेम्पोरल बोन है वैसे सेरिब्रम के लोब्स भी बना दिए जैसे जो फ्रंटल बोन के आगे जो लोब है इसको फ्रंटल लोब बोल देते हैं फ्रंटल लोब बोल देते हैं जो पेराइटल बोन के नीचे इसको पेराइटल लोब बोल देते हैं ठीक है जो टेम्पोरल लोब के नीचे उसको टेम्पोरल लोब बोल देते हैं जो ऑक्सीपिटल लोब के नीचे है ना सॉरी जो ऑक्सीपिटल बोन के नीचे उसको ऑक्सीपिटल लोब बोल देते हैं जो ऑक्सीपिटल लोब है ये आपके विजन में काम आता है देखो आपकी आई यहां पे होती है लेकिन इससे जो इंपल्स जाती है वो ऑक्सीपिटल लोब में जाती है आई और ईयर तो आप पढ़ते हो ना जो आपके कान से इंफॉर्मेशन जाती है वो पास में जाती है टेम्पोरल लोब में जाती है यहां पे टेम्पोरल कॉर्टेक्स में पे एनालाइज जाता है आई वाला पीछे जाता है ठीक है विच आर एज लेफ्ट एंड राइट सेरिब्रल द हेमिसमिस्फेयर आर कनेक्टेड बाय अ ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर्स कॉल्ड कॉर्पस इनके पास क्वेश्चन ही नहीं है बनाने के लिए बार बार कॉर्पस कैलोज के क्वेश्चन डालते हैं कि सेरिब्रल हाफ किससे कनेक्ट होते हैं किससे ट्रैक्ट ऑफ नर्व फाइबर से कनेक्ट होते हैं ट्रैक्ट मतलब एग्जॉन का बंडल जिसे कॉर्पस कैलोजम कहते हैं द लेयर ऑफ सेल्स विच कवर द सेरिब्रल हेमिसफेयर इज कॉल्ड सेरिब्रल कॉर्टेक्स

Neither clearly sensory nor motor. तो जो आपका ग्रे मैटर है वो सेंसरी एरिया मोटर एरिया और एसोसिएशन एरिया में डिवाइडेड होता है दीज रीजन आर कॉल्ड एसोसिएशन एरियाज एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन लाइक इंटरसेंसरी एसोसिएशन मेमरी कम्युनिकेशन फाइबर्स ऑफ द ट्रैक्ट आर कवर्ड विद माइलेंट शीट विच कॉन्स्टिट्यूट द इनर पार्ट ऑफ सेबल हेमिसफेयर तो वहां पर व्हाइट मैटर बन जाता है

थर्मोस्टार्ट ऑफ द बॉडी बॉडी टेम्परेचर अर्ज फॉर ईटिंग अर्ज फॉर ड्रिंकिंग इट ऑल्सो कंटेन सेवर ग्रुप ऑफ न्यूरोम में तो है ही है इनर पार्ट ऑफ सेफेर एंड अ ग्रुप ऑफ एसोसिएटेड स्ट्रक्चर लाइक एमेगडेला के पार्ट है बेटा इनके सिर्फ नाम याद करने द इनर पार्ट्स ऑफ सेरिब्रल हेमिसफेयर सेरेब्रल हेमिसफेयर के अंदर छुपे हुए पार्ट्स हैं ये ठीक है थेके? जैसे कि अमेगडेला हिपो कैंपस इनको हम लिम्बिक सिस्टम बोलते हैं इमोशनल ब्रेन भी बोलते हैं सेरेब्रम के अंदर छुपा होता है ये प्लस हाइपोथालमस फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर कॉल्ड लिम्बिक लोब और लिम्बिक सिस्टम अलोंग विद हाइपोथलमस मतलब हाइपोथालमस प्लस लिम्बिक सिस्टम दोनों मिला के इज इन्वॉल्व इन रेगुलेशन ऑफ सेक्शुअल बिहेवियर एक्सप्रेशन ऑफ इमोशनल रिएक्शंस जैसे कि एक्साइटमेंट प्लेजर रेज फियर एंड मोटिवेशन तो तुम्हारा मोटिवेशन नहीं आ रहा है तुम्हारा सेरीब्रम खराब हो रखा है सेरिब्रम का लिम्बिक सिस्टम खराब हो रखा है और सुनो सेरिब्रम आपकी इंटेलिजेंस को डिसाइड करता है सेरिब्रम आपके पर्सनालिटी को डिसाइड करता है सेरिब्रम आपकी लर्निंग को डिसाइड करता है सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास सेरिब्रम है ब्रेन का इनफैक्ट सेरिब्रम आपकी लैंग्वेज बोलने और लैंग्वेज समझने की एबिलिटी को करता है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन की एबिलिटी को करता है लैंग्वेज लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चन आया था पांच छह साल पहले मैच दो फॉलोइंग में ठीक है मिड ब्रेन कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ इसका द मिड ब्रेन इज लोकेटेड बिटवीन थैलमस एंड हाइपोथैलमस ऑफ द फोर ब्रेन एंड पॉन्स ऑफ द हाइंड ब्रेन ऑब्बियसली थैलमस और पॉन्स uh, के बीच में है ठीक है कैनाल कॉल्ड सेरिब्रल एक्विडक्ट पासिस अपने को पता है डॉसल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट ऑफ फोर राउंड स्वेलिंग्स कोई फंक्शन नहीं दिया हुआ क्वारपोरा क्वाडरी जेमिना को बस आपको सेरिब्रल एक्विडक्ट दी हुई है और ये क्वारपोरा क्वाररी जेमिना दिया हुआ है हाइंड ब्रेन पे आ जाओ The hind brain comprises pons, cerebellum and medulla, also called the medulla oblongata. Pons क्या करता है? Fiber tracts होते हैं that interconnect different regions of the brain. इसका यही function है भाई साहब का. Also pons में apneustic center होता है जो कि breathing rate को slow कर देता होता है. ये अपना uh, respiration वाले chapter में है. ठीक है? Hmm. ज वेरी कॉन्वोलेटेड सरीबेलम सेनोलेटेड होता है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड एडिशनल स्पेस फॉर मेनी मोर द मेड्यूल ऑफ द ब्रेन इज देखो मेड्यूला के पास क्या क्या होता है भाई के पास कनेक्टेड टू स्पाइनल कॉर्ड मेड्यूला कंटेन सेंटर्स विच कंट्रोल रेस्पिरेशन रेस्पिरेटरी रेस्पिटी सेंटर कार्डोस्कुलर हार्ट के लिए गैस्ट्रिक सिक्रीशन वॉमिट सेंटर स्नीजिंग सेंटर कॉफिंग सेंटर थ्री मेन रीजन मेक ब्रेन स्टेम मिड ब्रेन पॉन्स मेडुला ब्रेन स्टेम कनेक्ट्स द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड सेरिबेलम का फंक्शन फिर नहीं आदा है मेरे को पोस्चर इक्विलिब्रियम बैलेंस यही सब था डन आई ईयर पे चलो ऑक्सीपिटल लोब क्या होता है सेरिब्रम का जो पीछे वाला पोर्शन होता उसको है उसको ऑक्सीपिटल लोब बोलते हैं बेटा ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में आपका विजुअल इंपल्सिस एनालाइज होते हैं सबस्टांशियल नाइग्रा नहीं चाहिए बेटा पानी पी लेती हूँ मैं फिर आई ईयर शुरू करते हैं पहले आई पढेंगे जो जो मैं बताऊँगी वो ध्यान से सुनना है आपकी मदद मतलब से कुछ समझा दो इकोलॉजी में बायोडायवर्सिटी डिस्ट्रीब्यूशन <laughs> मैं बताती हूं <हुँ. laughs> आ जाओ आ जाओ तुम भी पानी पी लो आ जाओ पानी का साउंड सारे साउंड आ रहे तुम लोग को तो यार क्या तुम लोग यार <laughs> ईयर करवा दूं पहले आई कर लो यार लाओ ईयर करवा देती हूँ क्या बात है अरे कर लो लाइन वाइज कर लो चलो रहने दो आई कर लो चलो मैं चंडीगढ़ ऑफलाइन सेंटर में शायद मैं नहीं पढ़ाऊंगी बैच लॉन्च शायद मैं नहीं करूंगी आ जाओ भैया इसके नोट्स लेने के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन करना है अगर आपने टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया मेरे टेलीग्राम पे आप प्रेजेंट होने चाहिए ताकि मैं आपको बता सकूं कि मैं आप लोगों के लिए क्या क्या ऑर्गेनाइज करी चाहे वो 2023 है चाहे वो 2024 का भी बच्चा है तुम्हारे भाई बहन हो फ्रेंड्स हैं जिन्होंने 2024 हज़ार चौबीस उनको बोलो टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे रितु रतवाल ऑफिशियल लिखो टेलीग्राम पे ऐसे एक लाख बच्चों का चैनल आएगा उसमें घुसो उसको डेढ़ लाख करो वो एक साल इतने सालों से एक लाख ही है कैसे चलेगा ऐसे जिंदगी में बताओ आई एम हैविंग नो ग्रोथ ओवर हियर आ जाओ आई सुनो पेयर्ड होती लोकेटेड इन सॉकेट ऑफ स्कल कॉल्ड ऑर्बिट छेद होते हैं बड़े बड़े ऑर्बिट उसमें घुसे होती है आई बॉल होती है पूरी स्फेरिकल ठीक है आई की तीन लेयर्स होती हैं जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है वो स्किलेरा होती है स्किलेरा यहाँ पे टफ होती है बहुत बाहर की साइड और व्हाइटिश होती है डेंस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है एंटीरियर मतलब आगे वाले पोर्शन में ट्रांसपेरेंट हो जाती है ये वाले पोर्शन में इसको हम कॉर्निया बोल देते हैं कॉर्निया इज ट्रांसपेरेंट कॉर्निया पे बार बार ये क्वेश्चन आता है कि क्या कॉर्निया डायरेक्ट ओटू ले लेता है एयर से ले लेता है यार ये तभी हम लेंसेज नहीं लगाने चाहिए बहुत टाइम तक कॉर्निया को सांस लेने नहीं मिलता है है ठीक सो ये स्क्लेरा का ही पार्ट है आउटर मोस्ट है ये फिर इसके अंदर आती है कॉरोइड कॉरोइड जो होती है पीछे तो पतली होती है थिन होती है आगे जाके बहुत थिक हो जाती है एंटीरियर पोर्शन पे जहां ये थिक हो जाती है कॉरोइड को आगे सिलरी बॉडी बोलने लगते हैं सिलेरी बॉडी सिलरी बॉडी में कोरोइड होती है प्लस सिलेरी मसल्स होती हैं ठीक है सो so, ये येरा सकलीरा है सकलीरा. ये है choroid. फिर यहीं पे बात खत्म नहीं होती कोरोइड की जो सिलेरी uh, बॉडीज है वो आगे जाके ऐसे प्रोजेक्शन बनाती है जिसको हम आयरस बोल देते हैं आयरस के बीच में एक छेद बचा उसको हम प्यूपिल बोल देते हैं ये वाला देन सिलियरी मसल से कुछ ऐसे लिगामेंट्स सीलियरी बॉडी से ऐसे कुछ लिगामेंट्स जिलते हैं सस्पेंसरी लिगामेंट्स बोलते हैं उनके बीच में लेंस पड़ी होती है सिलियरी बॉडी की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन से ये लिगामेंट्स की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन जुड़ी होती है और इससे फिर लेंस का कर्वेचर चेंज होता है प्यूपिल का साइज कभी भी लिगामेंट से नहीं चेंज होगा प्यूपिल का साइज होगा आयरस की मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन से अगर आयरस की मसल्स कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स हो रही है तो प्यूपिल जो बीच का छेद है उसका साइज चेंज होगा सबसे इनर मोस्ट कंटेन्स मेनली ब्लड वेसल्स लुक्स ब्लूइश इश ये ध्यान रखना है कोरोइड ब्लूइश हो जाती है पोस्टीरियर टू थर्ड पे पोस्टीरियर मतलब पीछे टू थर्ड पे ये थिन होती है एंटीरियर पार्ट में थिक हो जाती है टू फॉर्म सिलरी बॉडी सिलरी बॉडी फर्दर फॉर्म्स पिगमेंटेड एंड ओपेक आयरस आयरस ये जो ब्लैक कलर का ढेला होता है आपका वो आयरस है चाहे वो ग्रीन कलर का हो चाहे वो, वो ब्लू कलर का हो जो कलर्ड पोर्शन है बीच में वो आयरस है बेसिकली आयरस के बीच में एक छेद होता है उसको प्यूपिल बोलते हैं रेटिना सबसे अंदर वाली लेयर है इनमें से रेटिना यहां पे है दिस इज योर रेटिना रेटिना पिछले ही वाले साइड पे होती है एंटीरियर साइड पे होती ही नहीं आंख के ये रेटिना है ठीक है लाइट यहां से एंटर करती है प्यूपिल से फिर यहां से ऐसे होते हो रेटिना पे बजती है ऐसे जाके ऐसे कन्वर्ज हो जाती है यहां पर कटती है ठीक है

ठीक है, है, है ये ब्लूइश कलर में कॉरॉइड नजर आ रही है सिलरी बॉडी नजर आ रही है आयरस नजर आ रहा है प्यूपल नजर आ रहा है देखो यहां पे जो फ्लूइड है कॉर्निया और लेंस के बीच में ये वाला जो फ्लूड है इसको एक्वस ह्यूमर बोलते होते हैं लिक्विड होता है ये वॉटरी होता है और इस, इस पोर्शन को एक्वस चेंबर बोलते हैं इसको विट्रस चेंबर बोलते हैं विट्रस ह्यूमर होता है ये जेल लाइक होता है यहां पे लेंस और रेटिना के बीच में सो so सबसे बाहर स्क्लेरा फिर कॉरॉइड फिर रेटिना फिर रेटिना में भी तीन लेयर्स हैं अलग से जो आप पढ़ेंगे ठीक है आगे चलते हैं देखो ये रेटिना की तीन लेयर्स हैं मतलब ये लाइट ऐसे अंदर है मतलब ये चेंबर 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 है यहां पे वेट्रियस वेट्रियस इज हियर तो लाइट जिस पे सबसे पहले बजती है वो गैंग्लियोनिक सेल है जिसको वो एक्टिवेट नहीं कर पाती फिर लाइट बजती है बाइपोलर सेल पे उसको भी एक्टिवेट नहीं कर पाती ये एक्टिवेट कर पाती है अल्टीमेटली फोटो रिसेप्टर सेल्स पे फोटो रिसेप्टर सेल पे जब ये लाइट आके ऐसे बजेगी तो ये एक्टिवेट होएगा वो भी फोटो रिसेप्टर सेल्स के दो पार्ट होते हैं एक इनर सेगमेंट एक आउटर सेगमेंट आउटर सेगमेंट एक्टिवेट होता है मतलब बाहर का भी बाहर सबसे आउटर मोस्ट लेयर जो है वो एक्टिवेट होती है लाइट की वजह से सबसे अंदर वाली बोलते हैं गैंग्लियोनिक सेल ये मल्टीपोलर न्यूरॉन्स है ये एक्टिवेट नहीं होते फिर बाइपोलर बाइपोलर न्यूरॉन्स ये एक्टिवेट नहीं होते अंदर बहुत ही स्पेशल फोटो रिसेप्टर सेल्स हैं वो एक्टिवेट होते हैं लाइट से फोटो रिसेप्टर सेल्स दो प्रकार के होते हैं रॉड्स एंड कॉन्स रॉड्स में इनर सेगमेंट और आउटर सेगमेंट दोनों रॉड शेप के होते हैं और कॉन्स में इनर सेगमेंट ऐसे रॉड का होता है और बाहर वाला कोन शेप का होता है ऐसे रॉड्स बहुत ज्यादा होते हैं आपकी आई में एज कंपेयर टू कॉन्स रॉड्स गिव यू विजन कॉल्ड कोटोपिक विजन जिसको हम ट्वाइलाइट विजन भी कहते हैं जो आपको शेप्स वगैरह चीजों के अच्छे दिखाते हैं जैसे आपको रात को कैसे दिखता है आपको चीजों की शेप दिखती है आपको दिखेगा आगे से बंदा आ रहा है कि कुत्ता आ रहा है कि बैल आ रहा है लेकिन बंदे की शर्ट का कलर नहीं नजर आएगा

ये जो फोटो रिसेप्टर मीटर रॉड्स और कॉन्स इनके आउटर सेगमेंट में देखो ये आउटर सेगमेंट है ये आउटर सेगमेंट है दे है जो कि इसके आउटर सेगमेंट में पड़ा होता है कॉन्स के कलर्ड सब्सटेंस का नाम आपको नहीं लर्न करना लेकिन तीन प्रकार के कॉन्स होते हैं उसमें तीन अलग अलग प्रकार का कलर्ड पिगमेंट होता है वैसे बता देती हूँ क्लोरऑप्सन साइन एंड इरिथ्रोप्सिन होता है लेकिन वो एनसीईआरटी में नहीं है क्या है रोडोप्सिन दिया हुआ है विजुअल पर्पल दिया है जो कि रॉड के आउटर सेगमेंट में पड़ा हुआ है पिगमेंट है अच्छी बात यह कि कोई भी पिगमेंट हो चाहे रोडोप्सिन हो चाहे कि कौन वाला कोई भी पिगमेंट हो तीन प्रकार के कौन होते हैं जो तीन बेसिक कलर्स को देखने में हेल्प करते हैं क्लोरऑप्सिन ग्रीन कलर को साइन ब्लू कलर को इरेथ्रॉप्सिन रेड कलर को इनके अलग अलग एक्टिवेशन को अलग अलग कलर्स बनाते हैं मतलब जैसे आपको ऑरेंज कलर देखना है तो फिर क्या करोगे

ये पढ़ा दिया मैंने बारे में देखो क्या लिखा मैंने आउटर सेगमेंट फिल्ड विद फोटो पिगमेंट स्लाइटली डिफरेंट बेटा सारे फोटो पिगमेंट्स के दो पार्ट होते हैं ध्यान से सुनो हो या कोई और फोटो पिगमेंट हो फोटो रिसेप्टर सेल्स में फोटो पिगमेंट तो है ना कोन्स में भी फोटो पिगमेंट पड़ा हुआ है आउटर सेगमेंट में रॉड में भी फोटो पिगमेंट पड़ा हुआ है आउटर सेगमेंट में बस रॉड के पिगमेंट का नाम याद करना है रोडॉप्सन या विजुअल पर्पल कौन के फोटो पिगमेंट का नाम नहीं याद करना लेकिन कोई भी फोटो पिगमेंट कॉम्पोजिशन सब में सेम होती है हर फोटो पिगमेंट के दो पार्ट्स होते हैं रेटिनल एंड ऑप्शन प्रोटीन किसी भी फोटो पिगमेंट के दो पार्ट होते हैं रेटिनल देखो बेटा रेटिनॉल होता है विटामिन ए रेटिनॉल होता है वाइटमिन ए तो रेटिनॉल का अल बना लो एल्डिहाइड बना लो रेटिनल प्लस ऑप्सिन एक प्रोटीन होता है इन दोनों को जोड़ दो ये आपका एक फोटो पिगमेंट बन गया अब आई आप कहोगे मैम फिर रोडोप्सिन और बाकी फोटो पिगमेंट्स में क्या फर्क है थोड़ा थोड़ा ऑप्सिन का फर्क होता है ऑप्सिन प्रोटीन का स्ट्रक्चर हल्का हल्का अलग हो जाता है रोडोप्सिन में थोड़ा अलग साइन में थोड़ा अलग क्लोरॉप्सिन में थोड़ा अलग इरिथ्रॉपसिन में थोड़ा अलग बट बेसिक कॉम्पोजिशन हर फोटो पिगमेंट की यही होती है सो लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम गैग्नोलिक सेल नहीं एक्साइट करती बायपोलर सेल नहीं एक्साइट करती फोटो रिसेप्टर सेल के आउटर सेगमेंट पे जब जाके फोटो पिगमेंट को टच करती है तब कुछ फर्क पड़ता है लाइट का जैसे ही लाइट इसको टच करती है ये दोनों बीच में से टूट जाते हैं रेटिनल जो है रेटिनल लाइट ऑब्जॉर्ब करता है ऑप्शन कभी लाइट ऑब्जॉर्ब नहीं करता रेटिनल लाइट ऑब्जॉर्ब करता है माय गॉड लेट मी गेट सेपरेटेड फ्रॉम द ऑप्शन और ये ऑप्शन से सेपरेट हो जाता है इसे बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ द पिगमेंट जैसे ये सेपरेट होते हैं इनका कलर लूज हो जाता है जैसे रोड ऑप्शन विजुअल पर्पल है ना पर्पल कलर का होता है कलर चला गया ठीक है इसे बोलते हैं रेटिनल एंड ऑप्शन सेपरेट विच इज कॉल्ड ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट ठीक है स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन चेंजेस ऑप्शन थोड़ा सा चेंज हो जाता है स्ट्रक्चर जैसे ही बेटा आप ध्यान से सुनो क्या होता है वापस आओ जैसे ही यहाँ पे फोटो पिगमेंट टूटा ब्लीचिंग हुई यहां पे उससे क्या होता है यहां पे कुछ केमिकल रिलीज होता है जो कि बायोपोलर न्यूरॉन को एक्साइट करता है फिर यहां पे कुछ केमिकल रिलीज होता है जो कि गैंग्लियोनिक सेल को एक्साइट करता है और वो ये सिग्नल जो है अपने एग्जॉन के थ्रू ब्रेन में लेके जाते हैं इनके एग्जॉन के बंडल को ही ऑप्टिक नर्व कहते हैं हुआ क्या लाइट कम्स एंड टचेज गैंग्लियोनिक सेल कोई फर्क नहीं पड़ा बायपोलर सेल कोई फर्क नहीं पड़ा फोटोरिसेप्टर सेल फर्क पड़ा फोटो रिसेप्टर सेल में जो फोटो पिगमेंट है उस पर लाइट ने टच किया फोटो पिगमेंट इज मेड अप ऑफ टू सबस्टांसेस रेटिनल एंड ऑप्शन जो कि ऐसे जुड़े हुए हैं जैसे लाइट उन पर स्ट्रक करते हैं वो अमाई oh गॉड रेटिनल जो है लाइट ऑब्जॉर्व कर लेती है उसे लाइट का नशा हो जाता है और वो ऑप्शन से सेपरेट हो जाती है इसे बोलते हैं ब्लीचिंग ऑफ पिगमेंट जैसे वो सेपरेट होती है बाइपोलर सेल्स एक्साइट हो जाते हैं ठीक है यहाँ पे कुछ मेमब्रेन पोटेंशियल में चेंज आता है जिससे बाइपोलर सेल्स एक्साइट हो जाते हैं मतलब एक्साइटमेंट एक्साइटमेंट की डायरेक्शन ये है

क्योंकि भैया दोबारा लाइट पड़ेगी दोबारा भी तो ब्लीच होना है दिस इज जस्ट मैकेनिज्म ऑफ योर विजन के याद आ ठीक है यहां पे सेपरेट हुई थी पोटेंशियल डिफरेंस इन फोटोरेप्टर सेल्स कुछ पोटेंशियल डिफरेंस आया फोटो रिसेप्टर सेल से उससे क्या हुआ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ बायपोलर सेल में फिर बायपोलर से क्या हुआ एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुआ गैंग्लियोनिक सेल में ऑप्टिक नर्व से विजुअल कॉर्टेक्स में चला गया यहाँ पे पीछे सिंपल है मैकेनिज्म ऑफ विजन के नहीं कुछ चीजें जो मुझे आपको याद करानी है वो है फोविया सेंट्रालिस एंड ऑप्टिक नर्व एंड ब्लाइंड स्पॉट बाकी आई खत्म है तुम्हारा आई समझ में आइए ब्लाइंड स्पॉट में क्वेश्चन क्या आता है पहली बात तो ब्लाइंड स्पॉट क्या है ये मुझे तुम लोगों को समझाना है क्वेश्चन आता है कि ब्लाइंड स्पॉट में रॉड होते हैं या कौन होते हैं कुछ नहीं होता ब्लाइंड स्पॉट में ब्लाइंड है वो उस पर लाइट पड़ेगी तो दिखता ही नहीं है ब्लाइंड स्पॉट पे नो रॉड नो कोन फिर एक क्वेश्चन आता है फोविया एंट्रालिस में क्या होता है रॉड होते हैं कौन होते हैं हाईली पैक्ड होते हैं नो रॉड्स प्यूपिल डार्क में बड़ा हो जाता है बेटा ऐसे सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है डार्क में हमारा प्यूपिल ऐसे चौड़ा हो जाता है प्यूपिलेरी डायलेशन समझ में आया है चलो एक बार एनसीआरटी से पढ़ लो एक बार फोवियां वगैरह पढ़ लो ये सब तुम लोग पढ़ लोगे है ना ये नहीं मैं पढ़ा रही अच्छा आई का डायग्राम देखो सब समझ में आता है आई का डायग्राम मार्क करने आ सकता है है ना कॉर्निया दिख रहा है प्रॉपर स्कलीरा दिख रहा है देखो स्कलीरा को ही आगे कॉर्निया बोल दिया हुआ है ठीक है कॉरायड दिख रही है देखो बीच में कॉरॉइड दिख रही है आगे सिलरी बॉडी बना रही है फिर आयरस बना रही है देखो आयरस के बीच में प्यूपिल है फिर सिलरी बॉडी से ऐसे सस्पेंसरी लिगामेंट है यहाँ पे लेंस है फिर ये जो ऑरेंज कलर में है ये देखो रेटिना है ये विट्रेस है, देखो रेटिना से जहां से ऐसे ऑप्टिक नर्व है तो दिखेगा नहीं आपको। इसके पास एक गड्ढा होता है, इसको फोवियस बोलते है इसमें सिर्फ रॉड्स होते हैं हाइएस्ट रेजोल्यूशन होता है वहां पर लाइट पड़ती है सबसे ज्यादा अच्छा दिखाई देता है ठीक है बट एक बार पढ़ लेते हैं वाला पार्ट हो गया ये पढ़ लेते हैं थोड़ा सा ये पढ़ लेते हैं ये ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं मकैनिज्म भी पढ़ लेंगे चलो पहले ये वाला पार्ट पढ़ लेते हैं आ जाओ पढ़े बेटा कोन में भी सेम है अंश कौन में भी रेटिनल और ऑप्शन ही टूटता है जब लाइट पड़ती है बस उसका ऑप्शन थोड़ा सा अलग होता है और कोई फर्क नहीं है जो कौन के पिगमेंट और जो रोड के पिगमेंट है उनमें कोई फर्क नहीं है सिर्फ ऑप्शन का हल्का हल्का फर्क होता है द इनर लेयर ऑफ रेटिना द इनर लेयर इज द इट थ्री लेयर्स ऑफ न्यूरल सेल्स न्यूरोन के तीनों लेयर है इन साइड टू आउटसाइड पहले गैंग्लियोनिक सेल जो मल्टीपोलर न्यूरोन है फिर बाइपोलर सेल्स फिर सेल्स फोटोसेप्टर आर टू टाइप्स ऑफ फोटोसेप्टर सेल्स रॉड्स एंड कोन्स दी सेल्स कंटेन लाइटिटिव प्रोटीन कॉल्ड द फोटोपिगमेंट द डे लाइट ये हो जाएगा ये हो जाएगा ये हो जाएगा जो फोटोपिक विजन है और जो कलर विजन है वो कौन से आती है सी से कौन सी से कलर और ट्वाइलाइट टॉयलाइट टॉपिक विजन है वो रॉड से आती है मुझे सिर्फ एक बात बतानी है तुम लोगों को ये वाली बात बतानी है मुझे ऊपर वाला तो तुम्हें आता ही है द ऑप्टिक नर्व लीव्स द आई एंड द रेटिनल ब्लड वेसल्स एंटर इट एट द पॉइंट मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई बोल पीछे वाले पोल एंटीरियर पोल पे नहीं ऑप्टिक नर्व निकाल देना पीछे वाले पोल पे ठीक है मीडियल टू एंड स्लाइटली अबव द पोस्टीरियर पोल ठीक है मीडियल टू मतलब मी, उसके बीच उसी की लाइन में ही है पोस्टीरियर पोल के थोड़ा सा ऊपर होता है ऑप्टिक जो क्या कहते हैं जहां से ऑप्टिक नर्व निकलती है फोटो रिसेप्टर सेल्स आर नॉट प्रेजेंट कोई वहां पे फोटो रिसेप्टर सेल्स नहीं है एंड हेंस इट इज कॉल्ड द द ब्लाइंड स्पॉट एट पोस्टीरियर पोल ऑफ द आई लिट्रल टू ब्लाइंड स्पॉट पोस्टीरियर पोल पे ही देयर इज अ येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट ब्लाइंड स्पॉट के पास एक येलोइश पिगमेंटेड स्पॉट होता है इसको मैकुला बोलते हैं मैकुला मतलब येलो कलर मैकुला लूटिया ठीक है अरे मैकुला मतलब येलो कलर नहीं लूटिया मतलब येलो कलर ठीक है इसमें बीच में एक डिप्रेशन होता है जिसको फोविया सेंट्रालिस्ट बोलते हैं विद सेंट्रल पिट कॉल्ड फोविया फोविया इज थिड आउट पोर्शन ऑफ रेटिना फोविया में रेटिना सबसे थिन थिन आउट होता है ठीक है जहां पे सिर्फ कॉन्स होते हैं बच्चे यही क्वेश्चन बार बार गलत कर देते हैं कोई रॉड नहीं होता सिर्फ कॉन्स होते हैं एंड डेंसली इज द पॉइंट वेयर विजुअल एक्विटी मतलब रेजोल्यूशन इज दाइएस्ट सबसे साफ आपको फोविया पे दिखता है और सबसे घटिया आपको ब्लाइंड स्पॉट पे दिखता है क्योंकि वहां पर और कौन ही नहीं है ये पढ़ लोगे मैकेनिक um, क्या कहते हैं मैकेनिज्म ऑफ विजन क्या पढ़ाऊं द लाइट रे इन विजिबल वेव लेंथ इज फोकस्ड ऑन रेटिना थ्रो कॉर्निया एंड लेंस जनरेट पोटेंशियल इन रोड एंड कॉन्स एज मैं द फोटो कंपाउंड इन ह्यूमन आई इज कम्पोज ऑफ ऑप्शन एंड रेटेनल सारे फोटो में एंड एलडीहाइड ऑफ वाइटमिन ए लाइट इंड्यूस डिसोसिएशन ऑफ रेटिनल फ्रॉम ऑप्शन लाइट जो है रेटिनल को ऑप्शन से अलग कर देती है रिजल्टिंग इन चेंजेस इन स्ट्रक्चर ऑफ ऑप्शन जिससे कि ऑप्शन के स्ट्रक्चर में चेंज आते हैं दिस कॉजेज मेब्रेन परमिबिलिटी चेंजेस कुछ मेंब्रेन परमिबिलिटी चेंजेस होते हो जाते हैं जिसकी वजह से पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो जाता है जिसकी वजह से बायपोलर न्यूरॉन्स जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं दिस प्रोड्यूज सिग्नल दैट जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल इन द पहले बायपोलर होता है फिर गैंगलियनिक होता है थ्रू बायपोलर सेल्स ठीक है एक्शन पोटेंशियल गैंग्लियोनिक सेल्स में

ऑप्टिक मेर वाली क्यों नहीं बात समझ में आ रही क्यों नहीं समझ में आ रही बेटा अच्छा कल मैं आप लोगों के लिए एक वो रखा है कल कौन कौन मुझे मैं बताओ पहले तुम में से कौन कौन आएगा लगाने 10 ए एम पे मैं एक क्लास रख रही हूं यूट्यूब पे ऑल पी वाई क्यूज प्लस वन के लास्ट टेन ईयर्स कौन कौन ये मैराथन लगाने आएगा टेन ए एम पे कल मैम फाइव ए एम रखोगे तब भी आ जाएंगे अरे यार फाइव एम रख दो पता है फाइव एम पे क्या होता है जैसे मुझे कोई टेक्निकल हेल्प चाहिए होती मान लो क्लास चलना बंद हो जाए तो मेरे पास कोई सपोर्ट करने के लिए नहीं होता मैं अकेली बैठी होंगी यहाँ पे नहीं विजुअल कॉर्टेक्स खुशी डोमिनेंट एरिया नहीं है सिर्फ विजुअल कॉर्टेक्स यहाँ पे ऑक्सीपिटल लोब में ऐसे बहुत सारे कॉर्टेक्स हैं ऑडिटरी कॉर्टेक्स ऐसे टेम्पोरल लोब में यही दो कॉर्टेक्स आपको पढ़ने हैं ठीक है चलो लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा इस क्लास के नीचे भी हो सके तो डलवा दूंगी आ जाओ अरे ईयर कहां है ईयर के दो काम हैं आ ईयर के दो काम हैं हियरिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ बैलेंस ईयर के तीन पो पोर्शन है जिसमें ईयर को डिवाइड किया गया है आउटर ईयर मिडल ईयर इंटरनल ईयर आउटर ईयर में एक तो एक पिन्ना है जो कि साउंड कलेक्शन का काम करता है फिर एक ऐसे अंदर टनल है जिसको ऑडिटरी मीटर्स बोलते हैं वो साउंड को अंदर लेके जाती है जिसके साइड साइड में यहाँ पे बाल होते हैं और सेरूमिनस uh, ग्लैंड्स होते हैं ईयर वैक्स प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे टिमपैनम है जिसे ईयर ड्रम कहते हैं

एनविल भी बोलते हैं स्टेपिस को स्टिरप भी बोलते हैं यहां से मिडल ईयर से फेरिंग्स में एक ट्यूब खुलती है जिसको यूस्टेशन ट्यूब कहते हैं ये क्या करती है बेसिकली टिम्पैनम के इधर और इधर के जो प्रेशर को है वो इक्वलाइज करती है ताकि टिम्पैनम को प्रॉपर दोनों साइड पे सेम प्रेशर मिले तो मिडल ईयर टू फेरिंग्स को ज्वाइन करती है फिर इंटरनल ईयर है इंटरनल ईयर को लेबरिंथ भी कहते हैं लेबरिंथ होता है भूल भुलैया इंटरनल ईयर लेबरिथ जैसा दिखता है फ्लूइड फील्ड होता है वो अंदर लिक्विड भरा होता है दो प्रकार के फ्लूइड होते, है, होते हैं पेरिलिम्फ और एंडोलिम्फ ठीक है ऑल्सो कॉल्ड लेबरिंथ इसमें दो पार्ट होते हैं मेन जो इनर uh, ईयर है उसमें कॉकलिया जो कि हियरिंग के काम आता है एंड वेस्टिबुलर एपरेटस जो कि बैलेंस के काम आता है ये बेसिक सा आपको आइडिया लग गया कि ईयर में क्या क्या होगा आउटर ईयर सिंपल पिन्ना कलेक्ट्स वाइब्रेशन एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स एक्सटेंड्स अप टू अपन फाइन हेयर एंड वैक्स सेरिमिनस होते हैं स्किन ऑफ पिन्ना एंड मीटर्स पे और टिम्पेनम कैसे बना होता है बीच में कनेक्टिव टिश्यू होता है स्किन होता होता है म्यूकस है आ गया जो मिडिल ईयर भी समझ लिया तुमने काम क्या होता है मिडिल ईयर की बोन्स का ये टेम्पोरल बोन में छेद होता है मिडिल ईयर मतलब बोन के अंदर बोन पड़ी हुई है ये बेसिकली एफिशिएंसी ऑफ हियरिंग को बढ़ाते हैं मिडिल मिडिल ईयर की बोन्स क्या करते हैं टिम्पैन ऐसे मूव करता है तो टिम्पेन से छोटी होती है अगली बोन वो और ज्यादा मूव करती है अगली बोन उससे भी छोटी है वो और ज्यादा मूव करती है अगली बोन सबसे छोटी है वो और ज्यादा मूव करती है तो वो इंटरनल ईयर को जोर जोर से मारती है ठक 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 ठाक ऑफ साउंड वेव को बढ़ा देती है ठीक है इंक्रीज द ऑफ साउंड वेव टू इनर ईयर यूस्टेशन ट्यूब कनेक्ट मिडल ईयर कैविटी टू फैरिंगस ठीक है हेल्प्स इन इक्वलाइजिंग प्रेशर ऑन ईदर साइड ऑफ क्या कहते हैं ईयर ड्रम मिडल ईयर हो गया बस इंटरनल ईयर पढ़ना है ये देखो ये एक बेसिक सा डायग्राम है ईयर का समझ में आता है

तो बस अब अपने को ईयर खत्म करना है समझ में आ रहा है तुम लोगों को स्टेप सबसे ज्यादा मूव करती है बिल्कुल बिल्कुल इंटरनल ईयर देखो इंटरनल ईयर बोन का बना हुआ एक कैविटी है यहां बोन के अंदर एक कैविटी हो रखी है ऐसे बोन है बोन के अंदर छेद हो रखा है ऐसे 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 ये बोनी ट्यूब है ऐसे ठीक है और ये बोनी ट्यूब ऐसे आगे बढ़ी हुई है तीन ट्यूब्स में ऐसे बनी हुई है एक ट्यूब और ये तीनों ये जो ये वाले ट्यूब्स हैं ये परपेंडिकुलर टू ईच अदर है ठीक है ये एक और ट्यूब हम ऐसे बना सकते हैं और एक ट्यूब हम इनके पीछे से ऐसे बना सकते हैं ऐसे ये बोन के अंदर कैविटी है इसके अंदर एक फ्लूड भरा हुआ है जिसको हम पेरीलिम्फ बोलते हैं ठीक है इसको पूरे स्ट्रक्चर को हम बोनी लेबरिंथ बोलते हैं बोन के अंदर छेद किया हुआ ये कैविटी है जिसमें बह रहा है इसको हम बोनी लेबरिंथ बोलते हैं बोन के अंदर कैविटी है उस कैविटी में एक लिक्विड भरा हुआ है इसको हम बोनी बोलते हैं। इसके अंदर मैंने एक पतली सी मेमब्रेन का बलून सा डाला हुआ है जहां जहां बोनी जा रही है वो बलून भी वहीं वहीं पर जा रहा है जैसे कि यहां पर बोनी कैविटी जा रही है मेरा बलून भी ऐसे जा रहा है ऐसे फिर ये बलून ऐसे जाके यहाँ पे ऐसे ही ऐसे दो बैग्स बना ले रहा है ऐसे फिर ये इसके अंदर से ऐसे ट्यूब्स ऐसे से जा रही है इस बलून की ऐसे और यहां पे कनेक्ट भी हो रही है ऐसे 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 ऐसे, 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 ऐसे। मतलब जहां जहां बोनी है, वही, वही ये बैलून की ट्यूब जा रही है ऐसे ये बलून है इसके अंदर एक और फ्लूइड बहता है जिसको हम एंडोलिम्फ बोलते हैं और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कहने का मतलब ये है कि बोनी लेबिरिंथ के अंदर लेबिरिंथ पड़ी होती है ध्यान से सुन लो अब नहीं समझ में आएगा तो फिर नीट में भी नहीं समझ में आएगा बाहर बोनी लेबिरिंथ है बोन के अंदर एक कैविटी है जिसमें पेरी भरा हुआ है अंदर उसके अंदर एक बेलून सा पड़ा हुआ है सॉफ्ट सी सोफ्टसी का वो जहां जहां बोनी कैविटी है बेलून बी एस जा रहा है पर उसके अंदर जो फ्लूइड है उसका नेचर डिफरेंट है उसके अंदर भरा हुआ है एंडोलिम्फ

बोनी और मेम्ब्रेनस लेबरें दोनों का इसको कॉकलिया बोलते हैं ये हियरिंग के काम आता है और इंटरनल ईयर का सिर्फ यही पार्ट है जो हियरिंग के काम आता है और कोई भी पार्ट हियरिंग के काम नहीं आएगा जो बैलेंस के काम आता है वो ऊपर वाला पार्ट आता है इसको हम वेस्टिब्यूलर एपरेटस कहते हैं वेस्टिब्यूलर एपरेटस कहते हैं जिसमें दो पार्ट्स हैं ऊपर वालों को बोलते हैं सेमी सर्कुलर कैनाल्स सेमी सर्कुलर कैनाल और नीचे वाले पार्ट्स को बोलते हैं इन दोनों को मिला के बोलते हैं ऑटोलिथ ऑटोलिथ को और सेमी सर्कुलर कैनाल को मिला के हम वेस्टिबुलर एपरेटिस कहते हैं ऑटोलिथ के दो पार्ट हैं सेक्यूल एंड यूट्रिकल यूट्रिकल ऊपर वाला है और नीचे वाला सेक्यूल है कहते हैं ये भी बैलेंस के काम आता है कैनाल भी बैलेंस के काम आती है इनको मिला के हैं और कॉकलिया है। बेसिक सा स्ट्रक्चर है इंटरनल समझ, समझ में आया प्रोसेस ऑफ हियरिंग कर ले प्रोसेस ऑफ हियरिंग अब सुनो ध्यान से ब्लाइंड स्पॉट में ना तो रॉड होते ना कोन होते बेटा अरबाज रिसेप्टर सेल्स नहीं होते ब्लाइंड सेल में ब्लाइंड स्पॉट पे तुम चंडीगढ़ आ गए क्या अनुज पिन्ना आपका बना होता है येलो इलास्टिक कार्टलेज से अब जरा कॉकलिया की बात सुन लो कॉकलिया को मैं सीधा कर रही हूँ ध्यान से सुन लेना कॉकलिया को मैं सीधा कर रही हूँ ठीक है ये बोनी लेबरिंथ है अरे और ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है अंदर ये मेम्ब्रेनस लेबरिंथ है ठीक है ये बोनी लेबरिंथ है ऊपर वाला और नीचे वाला बोनी लेबरिंथ है ध्यान से सुनो थ ने बोनी ले को दो पार्ट में डाल दिया इसको बोलते हैं स्काला क्योंकि टॉप पे है तो विक्ट्री वी से विक्ट्री वेस्टिबुलाई इसको बोलते हैं मीडिया स्काला स्काला ना नीचे वाला स्काला वेस्टिबुलाई के बेस पे यहां पे ओवल विंडो होती है ध्यान रखेंगे ओवल विंडो ओपन करती है मिडल ईयर की साइड और यहाँ पे स्टेपीज आके लगती है इसमें स्टेपीज अपनी वाइब्रेशन यहाँ पे सबमिट कर देती है यहाँ पे पेरीलिम्फ है पेरीलिम्फ को मूव करती है इस पेरीलिम्फ की वजह से एंडोलिम्फ मूव करता है नीचे वाला पेरीलिम्फ भी मूव कर जाता है ठीक है ये इतना प्रेशर मारती है इस साइड पे कि वो प्रेशर रिलीज करने के लिए हमें एक और विंडो चाहिए जो कि टेम्पिनाई के बेस पे इसको बोलते हैं राउंड विंडो ये भी मिडल ईयर में खुलती है तो आपको क्वेश्चन आ सकता है कि किसके बेस पे क्या है के बेस पे राउंड विंडो है और वेस्टिब्लाई के बेस पे ओवल विंडो है जो कि प्रेशर रिलीज करती है मिडिल ईयर के साइड पे पर ऑफ कोर्स ये बंद होती है थोड़े बाहर निकल जाता है मिडिल ईयर में बस प्रेशर मारती है इस तरीके से जो मेम्ब्रेनस लेब्रेन है उसकी ऊपर वाली मेम्ब्रेन को बोलते हैं रीजनर्स मेम्रेन क्योंकि ये रेज है ऊंची मेमब्रेन है रीजनर्स मेम्रेन जो बेस पे उसको बोलते हैं बेजल में बेजल मेंब्रेन पे आपका हियरिंग ऑर्गन पड़ा होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ऐसे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई पे एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टेक्टोरियल मेंब्रेन बोलते हैं इसके ऊपर ऐसे एक और मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टेक्टोरियल Membrane बोलते हैं ये बेसिक स्ट्रक्चर कोकलिया का समझ में आता है बेसिक स्ट्रक्चर कोकलिया का समझ में आता है अब यही चीज अपने को एनसीआरटी से देखनी है अब इसको यहां से काट लो तो एनसीआरटी में डायग्राम दिखाया हुआ है पहले ये डायग्राम दिखाई समझ में आता है ये आउटर ईयर है पिन्ना है एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर से है फिर मिडिल ईयर आ गया मेले ठीक है ओवल विंडो में भिड़ रही है ये इंटरनल ईयर आ गया इंटरनल ईयर में ये देखो कॉकलिया कॉकलिया से ये निकल रही है और क्या कहते हैं ऑडिटरी नर्व निकलती होती है ये वेस्टिबुलर अपरेटस से, है इसकी सेमी सर्कुलर के नाल से यहाँ पे ऑटोलिथ पड़ा होगा ये यू, यू स्टेशन ट्यूब है मिडल ईयर से फेरेंस को कनेक्ट कर रही है ये वाला डायग्राम हो जाएगा देन ये वाला डायग्राम समझ में आता है ये कॉकलिया का कट सेक्शन है अगर तुमने उस ट्यूब को ये जो ट्यूब है इसको ऐसे काट लिया तो तुम्हें यहां पे, पे पेरिलिम्फ मिलेगा स्काला टिम्पेनाई पे ऊपर यहाँ पे एंडोलिम्फ मिलेगा स्काला मीडिया पे यहां पे सॉरी स्केला वेस्टिबलाई मीडिया एंड टिम्पेनाई ठीक है देखो ये वेस्टिबलाई है ये मीडिया है ये टिम्पेनाई है ठीक है तुमने बेसिकली ट्यूब को ऐसे काट लिया सबसे ऊपर यही मिला था वेस्टिबलाई पेरिलिम से भरा हुआ ये मीडिया

अब हियरिंग कैसे होगी इसके अंदर हेयर सेल्स पड़े होते हैं ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर ऐसे हेयर सेल्स पड़े होते हैं जिनके ऊपर लंबे -लंबे so, है, ओवल विंडो में ऐसे मारती है जब ये पूरा फ्लूड हिलता है यहाँ पे पूरा फ्लूड हिलता है तो ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई भी हिलता है जब ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हिलता है तो वो हेयर सेल्स बेंड कर जाते हैं हेयर सेल्स बेंड करने से इनके नीचे जो न्यूरॉन्स हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं और हमारे ब्रेन के ऑडिटरी कॉर्टेक्स को सिग्नल लेके जाते हैं कान से ऑडिटरी कॉर्टेक्स को सिग्नल जाता है कि कोई साउंड आई है बताओ क्या बात है किसी ने गाली तो नहीं दी किसी ने प्रेज तो नहीं किया कोई क्या बात चल रही है ठीक है यही चीज है सुनो ध्यान से ये वाली बात हो जाएगी टिम्पनाई टुम्पनाई सब हो जाएगा अब यहां सुन देखो ऑर्गन ऑफ कॉटाई इज अ स्ट्रक्चर लोकेटेड ऑन बेसुलर मेमब्रेन विच कंटेन्स अयर सेल्स ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के अंदर हेयर सेल्स है जो कि हेयरिंग में हेल्प कर रहे हैं हमें दैट एक्टेज ऑडिट्री रिसेप्टर ऑडिटरी ऑडिटरी रिसेप्टर ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई के जो हेयर सेल्स हैं

सुन लो ध्यान से तभी समझ में आएगा लास्ट पार्ट है चैप्टर का ध्यान से सुनो बैलेंस कैसे आता है मैंने दो चीजें नहीं कराई यहां पे एक तो मैंने रिफ्लेक्स एक्शन नहीं कराया रिफ्लेक्स एक्शन कर लेंगे एक बार पढ़ लेंगे अभी हम अपने ठीक है एक मैंने नोज ऑल्फेक्शन स्मेल और टेस्ट के बारे में नहीं बताया वो पढ़ लेंगे एक बार से 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 सुनो ध्यान हियरिंग होता होता है कौक्लिया से। कौक्लिया पढ़ा होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में पढ़े हेयर सेल उन हेयर सेल की बेंडिंग से सिग्नल जाते हैं न्यूरॉन्स को ऑडिटरी नर्व के थ्रू यहां पे ऑडिटरी कॉर्टेक्स में बैलेंस कैसे होता है ये यूट्रिकल है सेक्योअल है दोनों में से सेम ही चीज है यूट्रिकल या सेक्योल में दोनों ही चीज है यहां पे एक प्रोजेक्टिंग रिज होता है मैक्यूला मैक्यूला जैसे वहां पे ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है यहां पे मैक्यूला होता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई हियरिंग के लिए काम आता है मैक्यूला बैलेंसिंग के लिए काम आता है यहां पे हेयर सेल्स होते हैं बिल्कुल वैसे उनके भी भीले होता है बिल्कुल वैसे, है जैसे।, बिल्कुल वैसे जैसे कि ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई में होता है हेयर सेल है इनके ऊपर भी एक मेम्ब्रेन होती है लेकिन टेक्टोरियल मेब्रेन नहीं होती इसको ऑटोलिथ मेब्रेन बोलते हैं

स भी पड़ी होती है ऐसे ठीक है तो जो कैनाल्स होती है वो अंद, नीचे जाके ऐसे सूजी हुई होती है इसको एम्प्यूला बोलते हैं एम्प्यूला ये भी बैलेंस के काम आ रही है ऐसे नाइनटी डिग्री पे पड़ी हुई है तीनों कैनाल्स ऐसे एम्प्यूला होता है एम्प्यूला के अंदर एक और रे स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं क्रिस्टा एम्प्यूला जैसे उसमें मैक्यूला होता है ना ओटोलिथ में और कॉकलिया में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई होता है यहां पे क्रिस्टा होता है सेम चीज है बेटा यहाँ पे भी हेयर सेल्स होते हैं ऐसे, ऐसे करके और उनके ऊपर एक और मेम्ब्रेन होती है तो मान लो आपका कोई बैलेंस खराब हो रहा है मान लो आप ऐसा हो तो आपको एकदम से क्या होता है तो वही हेयर सेल बेंड कर जाते हैं उस फ्लूड की मूवमेंट से हेयर सेल बैंड करेंगे तो यहां पर न्यूरोन से सिग्नल ले जाएगा ब्रेन को यार बैलेंस बिगड़ रहा है बैलेंस ठीक कर लो क्वेश्चन क्या आता है बार बार क्वेश्चन क्या आता है बार बार मैक्यूला कहां मिलता है क्रिस्टा कहां मिलता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई कहां मिलता है क्वेश्चन करोगे आओ देखे जरा नीट दो में कैसे क्वेश्चन आए हैं इसमें देखो करो सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग साइन स्टैटिक और डायनामिक इक्विलिब्रियम एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ आसिफ अली मैं समझ रही हूं तुम मेरे पुराने लेक्चर्स लगा के आए हो बट बेटा एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ मैक्यूला बोथ यूट्रिकल एंड सेक्यूल में दोनों में इन करेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना जल्दी ढूंढ दो मिल गया गलत स्टेटमेंट इंपल्स ट्रांसमिशन अक्रॉस केमिकल साइनाप्स ऑलवेज फास्टर नो इट इज स्लोअर मिल गया ये क्वेश्चन था 2022 का आसान क्वेश्चन बस एक क्वेश्चन है चलो 2005 का सीधा ये क्या बात हुई ना ये नहीं चाहिए ये नहीं चाहिए ये बहुत पुराने क्वेश्चन है ये नहीं चाहिए ठीक है थीके? देखो देखो नाइनटीन के क्वेश्चन है ऐसी बातों से हमने डरना नहीं है ये क्वेश्चन करो तो ना ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना ये भी नहीं करना ये पुराने क्वेश्चन है बेटा डरना नहीं ठीक है ये करो 2018 क्वेश्चन करो बॉडीज़ मेनली आर ऑफ़ अभी बढ़िया बहुत ही आसान माइलन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय माइलिन शीथ किससे प्रोड्यूस होती है उसका क्वेश्चन है 2017 क्वेश्चन है बताना माइलिन शीथ इज प्रोड्यूस्ड बाय बता दो यार एस्ट्रोसाइट से तो नहीं होता ऑस्टियोक्लास्ट से नहीं होता श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट बात हो गई थी अपनी तुम्हारी मेरी बात हो गई थी रिसेप्टर साइट्स फॉर न्यूरोट्रांसमीटर्स आर प्रेजेंट ऑन 2017 रिसेप्टर्स कहां पे मिलते हैं आपको एक साइनाप्स में रिसेप्टर्स आपको कहां मिलते हैं क्या ये आपको प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मिलते हैं या ये आपको टिप ऑफ एक्ज़ोन पे मिलते हैं या पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे मिलते हैं मेम्ब्रेन्स ऑफ सिनेप्टिक वेसिकल्स में मिलते हैं कहां मिलते हैं बेटा एस्ट्रोसाइट से हाँ ब्लड ब्रेन बैरियर बनता है आई थिंक पर चाहिए नहीं अरे पोस्ट सेनेप्टिक मेम्ब्रेन पे होएगा ना ये रिसेप्टर्स डेंड्राइट डेंड्राइट की मेम्ब्रेन पे होता है ना दो हजार तेरह द मोस्ट अबंड्रासेलर कैटाइन इज बताना अभी मैं बहुत मैंने अपनी जान फूकी है याद कराने के लिए तुम्हें मोस्ट अबंड्रासेलर कैटाइन कौन सा है प्लांट किंगडम भी करवा दूंगी बेटा करवा दूंगी इंट्रा सेलर कैटाइन कौन सा बेटा सेल के अंदर भाई, अंदर भाई सोडियम से क्या सीखे तुम लोग क्या अंदर भेजता है पोटेशियम भेजता है ना अंदर बाहर तीन सोडियम मारता है फेंक के पोटेशियम है ना अभी भी गलत करोगे तो कैसे चलेगा बताओ 2013 ये डायग्राम समझ रहे हो साइनाप्स वाला देखो साइनाप्स कितना फेवरेट है इनका केमिकल और इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में डिफरेंस अच्छे से समझ के जाना है इलेक्ट्रिकल साइनाप्स में इलेक्ट्रिसिटी दौड़ती है दो न्यूरॉन्स के बीच में कोई केमिकल नहीं निकलता और प्री एंड पोस्ट सेनेप्टिक मेम्ब्रेन बिल्कुल पास होती है कोई सेनेप्टिक लेफ्ट नहीं होता उनके बीच में बिल्कुल ऐसे चिपकी होती है और गैप जंक्शन से होती है तो न्यूरॉन में भी करंट दौड़ रहा था न्यूरॉन टू न्यूरॉन भी करंट ही दौड़ के भाग जाता है सोडियम आयंस मूव कर जाते हैं केमिकल में क्या होता है न्यूरॉन में करंट दौड़ता है लेकिन दो न्यूरॉन्स के बीच में तो केमिकल रिलीज होता है स्लोअर होता है मोर कॉमन ए न्यूरो ट्रांसमीटर ना ए तो रिसेप्टर है सी न्यूरोमिटर ना सी तो सैनेप्टिक वेसिकल है ए रिसेप्टर सी सैनिप्टिक वेसिकल्स ये आंसर होना चाहिए बी सैनेप्टिक कनेक्शन डी के पॉजिटिव कैल्शियम होता है डी कैल्शियम जो है सेनेप्टिक वेसिकल्स को बाहर पुश करता है अरे वैसे वैसे सही कुछ रिपीट क्वेश्चन है ठीक है आ जाओ 2011 व्हेन न्यूरॉन इज इन रेस्टिंग स्टेट मतलब पोलराइज स्टेट में नॉट कंडक्टिंग एनी इंपल्स द एक्सोनल मेम्ब्रेन इज रेस्टिंग स्टेट में क्या होता है बेटा बताना अनुज बेटा मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज करियो ठीक है रेस्टिंग स्टेट पे क्या होता है बेटा जब स्टिमुलस आता है वो एक अलग बात है रेस्टिंग स्टेट में तो भैया मोर परमीबल टू पोटेशियम एंड ऑलमोस्ट इम टू सोडियम है ये गलत हो गया गलत हो गया गलत हो गया है ना अभी पढ़ाया था है ना? चलो आगे एल्जाइमर डिजीज 2009 का क्वेश्चन है डेफिशिएंसी ऑफ मेरे को भी नहीं पता पर पता होना चाहिए पता होना चाहिए गूगल कर लो इसको लर्न भी कर लो अभी नहीं है आपके सिलेबस में फिर भी यार दो तीन पता होने चाहिए कोई मुझे हेल्प करना चाहता है नाइनटीन्थ में सुपर सॉन्ग्स कह रहा नाइनटीन्थ का डी है पक्का चेक करूं अरे भैया खुद चेक कर लो ठीक है खुद चेक कर लो टाइम लग जाएगा चेक करने में यार अब ड्यूरिंग द प्रोपगेशन ऑफ नर्व मतलब रेस्टिंग पोटेंशियल अब आपका हट गया है आपका प्रोपोगेशन हो रहा है नर्व नर्विंपल्स का एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो गया एक्शन पोटेंशियल रिजल्ट फ्रॉम द मूवमेंट ऑफ एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है बताओ जरा एक्शन पोटेंशियल कैसे जनरेट होता है प्लस थर्टी कैसे आता है एक्शन पोटेंशियल तब जनरेट होता है जब मेम्ब्रेन सडनली बिकम्स वेरी परमेबल टू सोडियम और बहुत सारा सोडियम जब अंदर एंटर कर जाता है प्लस थर्टी हो जाता है सो so, सोडियम वाला ऑप्शन है एक्स्ट्रा से इंट्रा जाएगा इंट्रा से एक्स्ट्रा तो नहीं जाएगा है ना आसान है ना चलो ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इंपल्स थ्रू अ नर्व फाइबर पोटेंशियल ऑन इनर साइड ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैज विच टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज चेंज ट्रांसमिशन के समय एक्सॉन में पोटेंशियल ऑन द इनर साइड इनर साइड पे कैसे कैसे चेंज होता है पोटेंशियल बताओ कैसे कैसे चेंज होता है बेटा पोटेंशियल इनर साइड पे ट्वेंटी वन देखो पहले अंदर नेगेटिव होता है माइनस सेवेंटी फिर प्लस हो जाता है पहले नेगेटिव होता है फिर प्लस होता है प्लस थर्टी हो जाता है और फिर दोबारा से माइनस सेवेंटी आ जाता है पहले माइनस सेवेंटी होता है फिर प्लस थर्टी होता है फिर रीपोलराइजेशन आती है दोबारा माइनस सेवेंटी हो जाता है ठीक है चलो विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एक्ट एज न्यूरो ट्रांसमीटर इनमें से कौन सा न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं है बताइए कौन सा एक्ट नहीं कर सकता ये तो न्यूरो हैं है ही है कॉर्टिसोन नहीं है ना यार ये दोनों मेरे को बताओ अच्छा मैं टेलीग्राम पे डालती हूँ ठीक है एल्जाइमर्स और पार्किस दोनों डालती हूं मैं क्योंकि अपने सिलेबस में ना तो मेरे को याद नहीं रहते नहीं है ना सिलेबस में इसलिए मेरे को याद नहीं रहता जो चीज सिलेबस में होती है वही याद रहती है चलो बहुत पुराने चले गए ये भी हो सकता है हो गया चलो इस पे आओ विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन देखो बताओ विच पार्ट ऑफ ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर थर्मो रेगुलेशन रे अरे विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रीजन इज इनकरेक्टली पेयर्ड बताओ कौन सा इम गलत तरीके से पेयर्ड है मिल जाएगा देखते ही मिल जाएगा देखो करो मिल गया देखो ये सही है ये गलत है इंटरकनेक्ट डिफरेंट रीजन ऑफ ब्रेन करता है आपने पढ़ा था है ना ये सही है, ये सही है. ए तो सही है यार मेड्यूला ओब्लॉन्गेटा में रेस्पिरेटरी राइम सेंटर होता है कार्डियोवेस्कल रिफ्लेक्सेस होता है वॉमिटिंग होता है गैस्ट्रिक सिक्रीशन uh, के लिए सेंटर होता है कफ सेंटर होता है स्नीज सेंटर होता है गलत बात नहीं बोलनी यार इनकरेक्टली पेयर्ड फिर से दो हजार पंद्रह ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन था इसमें जो आंसर है वो आउट ऑफ सिलेबस था लेकिन मैंने आपको कराया अभी एल्जाइमर वाला चेक कर दूंगी प्रियांशु मैं अभी कमेंट नहीं कर सकती ना यार जो चीज मैंने अभी बहुत दिन से पढ़ी नहीं है याद नहीं है उस पर मैं कैसे कॉमेंट करूंगी तू सही कह रहा है कि गलत कह रहा है राइट एंड लेफ्ट सही है सेरिब्रम सारा कैलकुलेशन कंटेबलेन सही है मेड्यूला होम्योस्टैटिक कंट्रोल होम्योस्टैटिक कंट्रोल है बॉडी को में रखना है. तो भैया इतने सारे इंटरनल ऑर्गन्स को कंट्रोल कर रहा है तो ये होम्योस्टाइसिस में रख रहा है बॉडी को ये सही है लैंग्वेज कॉम्प्रीहेंशन जो है सेरिब्रम का काम है है ना मैंने बताया था चलो इंजरी लोकेलाइज टू हाइपोथलमस वुड मोस्ट लाइकली डिसरप्ट क्या खराब हो जाएगा अगर हाइपोथालमस खराब हो गया तो इफ आई यूज कोड रू आई कांट ड क्योंकि ऋतु कोड है ही नहीं ये ऋतु कौन है मैं तो सिर्फ आर आई टी यू को जानती हूं आर यू टी यू को तो नहीं जानती मैं अभिषेक क्या खराब हो जाएगा बेटा अरे जो वो काम करता है वही खराब हो जाएगा शॉर्ट टर्म मेमरी कॉर्डिनेशन ये कहाँ पढ़ाया मैंने तुम लोगों को डिसीजन मेकिंग कहाँ बताया मैंने हाई पेथलमेस मैंने तुमसे टेम्परेचर बताया और बोलो कर्नाटक दो हजार तेरह सेक्शन काटा हुआ ह्यूमन ब्रेन का आइडेंटिफाई एटलीस्ट टू लेबल्स करो आइडेंटिफाई डी क्या है सेरी है डी सेरी में दिया हुआ है सी तो पॉन्स है गलत हो गया ए सेरी ब्रम है सही है सी पॉन्स है ये दोनों सही है बी कॉर्पस कैलोसम है ना बी थैलमस है देखो इसको मार के हो ना गलत है ए सेरिबल हेमिस्फेयर है बी सेरिबल नहीं बी थैलमस है गलत है बी आंसर हो गया कैम प्लांट्स में फोटो रेस्पिरेशन होता है विनोद उनमें वाटर का सेविंग होता है फोटो रेस्पिरेशन नहीं रोकता वो द ह्यूमन हाइंड ब्रेन कंप्राइजेस ऑफ थ्री पार्ट वन ऑफ विच इज तीन पार्ट्स में से एक बता दो यार हाइंड ब्रेन में ये नन्ना नन्ना द नर्व सेंटर्स विच कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर अरे बता दिया हाइपोथेलमस एस कांसर विच ऑल कंसर्न विद रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर अरे हाइपोथेलमस एस कांसर चलो ये नहीं चाहिए तुम्हें अच्छा मैंने ये नहीं कराया तुम लोगों का है ना रिफ्लेक्स एक्शन ये रह गया ओह चलो करो अरे मेरे को पर्सनल मैसेज कर देना अनुज

ये किसका दो हजार उन्नीस का क्वेश्चन है विच ऑफ तो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कॉरेक्ट बताना यार ये बड़ा बकवास क्वेश्चन है बड़ा आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन मैं नहीं कराना ये पता नहीं कहां से उठा के डालते हैं ये चाहिए तुम लोगों मेरे को देखने का कर सकते हो कर लो कर लो चलो मैं क्लास बंद करूंगी ऑलरेडी अपने को ढाई घंटे हो गए पढ़ते को बेटा गलत तो पता चली जाएगा यार डे लाइट विजन में रॉड नहीं आता ना कौन जाता है चलो बॉडी पोस्टर कौन मेंटेन करता है ब्रेन तो नहीं करती तो हेयरिंग में ऑर्गन ऑफ कॉर्टाई वाली बात हो गई चलो आज की क्लास खत्म की जाती है यहां पे भैया रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लेना इतना सा पैराग्राफ है बस इतना सा पैराग्राफ है पढ़ लेना ठीक है बाकी तो चैप्टर तुम्हारा बढ़िया तरीके से मैंने कराई दिया रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ लेना ठीक है एक वो वाला पैराग्राफ पढ़ लेना नोज और टेस्ट वाला दो पैराग्राफ तो अपने आप हम पढ़ ही सकते हैं जब हम नीट की तैयारी कर रहे हैं तो है ना चलो आज की क्लास यहीं बंद करते हैं आई होप आपको बहुत बढ़िया तरीके से इसका फायदा मिलेगा क्लास का ठीक है और मैं एल्जाइमर्स और पार्किंस अपने उस पर डाल दूंगी टेलीग्राम पे डाल दूंगी टेलीग्राम है टेलीग्राम का लिंक भी है यहां ये लिंक ये लिंक क्लिक कर देना यहाँ पे मिल जाएगा तुम लोगों को ठीक है क्लिकेबल लिंक है आई थिंक ये ठीक है चलो अच्छा प्रियांशु कोई नहीं मैं भी गूगल कर लेती हूँ गूगल करके बता देती हूँ मैं तेरे को कंफर्म कर देती हूँ फिर चलो आई विल सी यू एट टेन ए एम टूमोरो प्लस वन के पिछले दस साल के सारे नीट के पी वाई के कर लेंगे हम चलो बाय बाय मजा आया मुझे भी मजा आया पढ़ा के आई एल सी यू बेस्ट ऑफ लक बाय